मामी की रिहर्सल में लगी हुई है। ये कल रात से गए हैं शादी के कार्ड छपाने, अभी तक नहीं आए। खुदा खैर करे, पता नहीं कहाँ रह गए। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये मियां मरेगा तो क्या करूंगी? सबर करूंगी। हेलो हेलो हेलो, मियां मरेगा तो क्या करूंगी? सबर करूंगी। नहीं नहीं, हम लोग बोल रहे हैं दफन कफन कंपनी से। बहुत जबरदस्त इंतजाम है दफन कफन कंपनी का। हर किस्म की मैयत दफनाते हैं, दूसरे मुल्कों से भी लाते हैं। बहुत जबरदस्त इंतजाम है, हर किस्म की कब्रें। आप बोलोगे तो ऐसी कब्र में दफना देंगे जिसका पहले से हिसाब हुआ हुआ होगा। अपने घर में जाकर कर इंतजाम कमबख्त कहीं का। क्या ना जाए मनुष्य, कैसी बकवास बातें कर रहे हैं बताओ। मियां मरेगा तो क्या करोगी? अरे चलो यहां से, कबाओ तुम चलो यहां से। बताओ, अरे चलो यहाँ से, क्यों भाग रहा हूँ? दिमाग खराब? बताओ कैसे रिक्शे वाले हैं ये? तुम्हारे रिक्शा को देखो, कच्चा आयल फेंक रहा है। कौन सा किराया? किससे लड़ रहे हो इतना जोर जोर से? रिक्शे वाले से भाई। रात भर कहाँ थे? रिक्शे में था। क्या? अरे क्या बताऊ बेगम, शादी का कार्ड बनवाने गया था। हाँ। बंस रोड पे खड़ा हुआ था, मैंने एक रिक्शे वाले से कहा, भाईजान नाजमाबाद चलोगे? कहने लगा नहीं, मैं तो चोरंगी जाऊंगा। मैंने कहा चलो इसमें बैठ जाते हैं, चोरंगी से कोई और रिक्शा पकड़ लेंगे। मैं बैठ गया, चोरंगी पे उतरा। मैंने वहां से एक रिक्शा वाले को कहा, भाईजान ये दो कदम पे नाजमाबाद है, जरा चलोगे? कहने लगा नहीं, मैं तो रंछोलन जाऊंगा। मैंने कहा चलो इसमें बैठ जाते हैं, वहां से कोई और रिक्शा पकड़ लेंगे। वहां तो बहुत रिक्शा चलते हैं। मैं उसमें बैठ गया, रंछोलन उतरा। वहां से एक रिक्शा वाले को कहा, भाईजान नाजमाबाद चलोगे? कहने लगा मैं तो केवाड़ी जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो इसमें बैठ जाते हैं, केवाड़ी से कोई और रिक्शा पकड़ लेंगे। मैं उसमें बैठ गया, केमाड़ी उतरा। मैंने कहा रिक्शा में बैठना ही नहीं। फिर? मैंने कहा लांच वाले से पूछूंगा मैं। मैंने लांच वाले से कहा, भाईजान नाजमाबाद चलोगे? कहने लगा नहीं, हम पहले मनोड़ा जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले मनोड़ा जा रही है तो बाद में चला जाएगा। मैं बैठ गया, मनोड़ा उतरा तो पता चला यहाँ तो रिक्शा चलता ही नहीं। एक आदमी से मैंने कहा भाईजान मुझे नाजमाबाद जाना है। कहने लगा पैदल निकल जाओ पैदल। मेरा दिमाग खराब हो गया, सारी रात मैंने टीले पे बैठ के गुजारी है। सुबह 5-6 आदमी आए, कह रहे भैया कोई मछली वगैरह हाथ लगी? बता। बहुत अच्छा बहाना है तुम्हारा, समझ गए। अच्छा ये बताओ कार्ड का क्या हुआ? अरे तुम्हारे बेटे की शादी के कार्ड बन गए, ये रहा प्रूफ उसका, ये देखो सबूत। अरे कार्ड तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने खुशबू वाले छपवाए थे। हाँ, मैंने कहा था खुशबू वाले हूँ। इसने तो कार्ड पे आयोडेक्स लगाया। देखे बेगम लिखा क्या है, हमारे प्यारे बेटे काशिफ की शादी खाना आबादी, हमरा नूरे चश्मी दो दर्जन मुसम्मी, रवानगी है भारत एक गज मलमल दो गज लट्ठा, निका 9 बजे 2 तोला सनकिया हमरा धतूरा, पत्ता तंबू कन्ना दे चश्मे भर्रा 2 दर्जन दे गए। ये जो ये कार्ड पड़े उसको उसकी माँ की कसम है, ऐसे ही 100 कार्ड छपवाए और मस्जिद में जाके बंटवा दे। चमचे से हिलाकर पी जाए। अरे तुम कहीं सटिया तो नहीं गया, ये कार्ड छुपा के लाया ये? अरे क्या करूं बेगम, असल में पता है क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ ये है, वलीमे के और 40वें के कार्ड एक साथ छप गए। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ खाने का क्या किया तुमने? खाना तैयार। या अल्लाह, 2 दिन पहले खाना तैयार? हाँ, आजकल बावर्ची के पास टाइम कहाँ। क्या? मैं गया था बावर्ची के पास, मैंने कहा भाईजान खाना बनाना, वलीमे का 700 आदमियों का खाना बना लेंगे? कहने लगे आप 2 दिन पहले बना ले, हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा चलो बना लेते 2 दिन पहले, किसी बर्फ खाने में रखवा देंगे, वलीमे वाले दिन निकलवा लेंगे। बस मैं वो खाना लेकर सुजुकी में आ रहा था, मेरी सुजुकी पे पुलिस का छापा पड़ गया। छापा? हाँ। फिर क्या हुआ? कहने लगे कि आपकी सुजुकी के अंदर बम है। बम है? मैंने कहा देख ले भाईजान, इसमें वलीमे की देगे हैं, कोरमा है, बिरयानी है। कहने लगा नहीं, इस खाने में जहर मिला हुआ, आप ये शेर वाला खाना कौम को खिला के मारना चाहते? ओहो, तो चखा देते। चखाया था, फिर पुलिस ने चखा, खाना ही खत्म। एक पुलिस वाले के चखने से सारा खाना खत्म? कैसी बातें कर रही हो बेगम, कभी एक पुलिस वाला चखता है? उन्होंने तो लाइन लगा के चखा था, पुलिस लेन में ले गए थे, कह रहे हमारे बच्चे भी चखेंगे, हमारे बच्चे भी।
ईमान से। फिर अब तुमने कोई बंदोबस्त किया? हाँ, मैंने नए खाने का बंदोबस्त कर दिया। चलो अच्छा किया। अब ऐसा करो, तुम मेहमानों की फहरिस्त लिख लो। हाँ चलो, तुम ऐसा करो, अपने रिश्तेदार लिखो। चलो लिखाओ। आमना फुप्पो, आमना फुप्पो, आमना फुप्पा, आमना फुप्पा। ओहो, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया तुमने। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हारे फुप्पा की पोजीशन यही है। देखो बेकार की बातें मत करो। अच्छा चलो। अच्छा रशीदा खाला, रशीदा खाला, खालू, खालू, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे। अब तो एक बच्चे रहेगा। कौन? फ्रोन के बच्चे। क्या बकवास है ये? क्या सारे तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे यहाँ पे? हाँ, सारे मेरे रिश्तेदार आएंगे, आपका एक रिश्तेदार यहाँ नहीं आएगा। आपके अब्बा जान को जो मैं भुगत रही हूँ वही काफी है। अगर तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ आए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और से ले लो। क्या? नहीं बेगम, देखो देखो मेरी बात सुनो, कहाँ टाइम है मेरे पास। तुम्हें तो पता है मैंने आजकल समाज सुधार कमेटी बनाई हुई है। मैं चाहता हूँ इस मोहल्ले में, इस शहर में ऐसे काम करके जाऊँ, सामाजिक काम करके जाऊँ कि ये लोग मुझे याद करें। शहर क्या दे देगा? गंदगी की ढेर, मच्छरों की फौज, रिश्वतखोर अफसर। अरे जो खुदा उसके रसूल के अहकामात को भूल गए, वो तुम्हारी खिदमत को भूलने में कितनी देर लगाएंगे। इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ बेगम। 1400 साल में नहीं सुधरे। अरे बेगम, हर शहरी का फर्ज है कि अपने शहर को साफ सुथरा रखे। अब देखो ना, अल्लाह ने जो दौलत मुझे दी है वो मेरे नाम कर दो। हाँ, तुम उस पे नागन बन के बैठ जाओ। क्या? हाँ, अरे देखो बेगम, अंग्रेज को देखो, हमने यहाँ से निकाला, आज उन लोगों ने कितनी तरक्की कर ली। ये जज्बा हमारी कौम में क्यों नहीं? ये सब कस्टम वालों का कसूर है, वो जज्बा रोक लेते हैं, इसीलिए छोड़ देते हैं। अच्छा खैर, ये बताओ गाड़ी की चाबी कहाँ है? क्यों? मुझे फूलों की नुमाइश के लिए जाना। नहीं, मुझे जाना अभी ठेकेदार से मिलने, उससे बात करनी है सड़कों की मरम्मत के सिलसिले में। तुम ऐसा करो, टैक्सी में निकल जाओ। हाँ, ताकि टैक्सी वाला मुझे ले उड़े। नहीं, इतना बेवकूफ भी नहीं है टैक्सी वाला। क्या? कि एक सवारी के बजाय दो सवारी को बिठाएगा वो। देखो बेकार की बातें मत करो, ऐसा करो तुम रिक्शे में चले जाओ। मेरे बाप की तौबा। क्या हुआ? मेरे बाप की तौबा बेगम, खुदा की कसम मैं कभी भी रिक्शे में ना बैठूं। क्यों? नहीं, कभी नहीं जाऊंगा रिक्शे में। तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना है तो जाओ, वरना यहीं खड़ी रहो। और हाँ, अपने साहबजादे से कह देना शादी के लिए जब भी कहो इनकार करता रहता है, वो तैयार रहे परसों उसका निकाह। मैं क्या करूं, खुद ही समझाना तुम। क्यों समझाना भाई? मैं अपने दोस्त को जबान दे चुका हूँ, परसों उसकी शादी है। मैं क्या कर सकती, तुम खुद ही समझाओ उसको। समझाता तो हूँ, मान ही नहीं रहा शादी में। आगे आगे आपके साहबजादे। हाय अम्मी। हाय। छक्का! शर्म कर, शर्म कर, बुड्ढे बाप को छक्का कह रहा है। आपको नहीं कह रहा डैडी, मैंने छक्का मारा गेंद पे, आप समझ नहीं रहे। अच्छा ये बात बताइए कि ये आपने शब्दादी को जो बताया ये बात सच है कि परसों मेरी शादी हो रही है? ठीक है बेटा, परसों तुम्हारा निकाह, तुम्हारी शादी हो रही है। अरे परसों? डैडी परसों मेरा फाइनल मैच है। परसों मेरा मैच है? एक तो इमरान खान ने तुम्हारी आदत खराब कर दी है, खुद तो शादी नहीं करता, दूसरों को भी मना करता कि तुम भी शादी ना करो। डैडी यार, मुझे शादी का कहकर इमान से किस इम्तिहान में डाल रहे हैं? बेटा ये इम्तिहान तो तुम्हें पास करना ही पड़ेगा। क्यों? मुझे देखो, मैंने ये इम्तिहान पास किया था, सारे पेपर क्लियर हो गए थे, ज्योमेट्री के पेपर में रह गया था, आज तक भुगत रहा हूँ। डैडी आप समझ नहीं रहे हैं, मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे शादी के नाम से नफरत है, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। डैडी पहले मुझे बनने दीजिए, मुझे एस्टैब्लिश होने दीजिए, पहले मेरा पैसा आ जाए, माल आ जाए, उसके बाद शादी करूंगा। मुझे बताइए अभी तक किसी क्रिकेटर ने शादी की है? नहीं। तो क्या करते हैं वो लोग, तो खाली खेलने के बजाय पवेलियन में देखते रहते हैं। तो मुझे भी ये करने देना। अच्छा डैडी, मसला ये है कि मेरे जहन में एक स्कीम आई है। क्या? मेरा एक दोस्त है वेस्ट इंडियन। अच्छा। उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा। बहुत करोड़पति है। वो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टेडियम बनाना चाहता है। अच्छा। ठीक है, और उसे एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार पार्टनर की जरूरत है। अच्छा। बस उसने जब शरीफ और ईमानदार कहा, मेरे जहन में आपका नाम आ गया। हाँ मेरा बेटा। बस वो यहाँ पाकिस्तान आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके साथ मिलकर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाए। ठीक है ना? अपने घर का स्टेडियम होगा। ठीक है। अपने घर की क्रिकेट टीम होगी, अपने घर के अंपायर होंगे, न्यूट्रल अंपायर का भी मसला खत्म हो जाएगा। है ना? वैसे तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया बेटा,
कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अभी शादी करने की। क्यों? बस पहले बिजनेस करेंगे फिर कट्ठे ही शादी करेंगे। क्या? नहीं, हम दोनों कट्ठे ही शादी करेंगे। डैडी इस तरह पता है क्या होगा? नोटी नोट, नोटी डॉलर, पॉइंट, पैसा हर मुल्क की करेंसी अपने पास होगी। हम लोग बहुत रिच बन जाएंगे। ओके बेटा, मुझे तुम्हारा ये आइडिया पसंद आया। बस मगर एक ख्याल करना बेटा। क्या? मेरा एक छोटा सा काम है। क्या? तू शादी कर ले। डैडी मैं डैडी मुझे नफरत है इस नाम से। मैं 50 दफा आपको बता चुका हूँ मुझे नफरत है। मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बेटा। आइंदा अगर ये बात की ना, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे बेटा सुनो बेटा, अरे कैसा बच्चा ये मेरा, बताओ शादी नहीं करूंगा। हाँ, और तुमने भी कह दिया, कोई बात नहीं बेटा, शादी नहीं करना, समझा लेंगे, है ना? अरे क्या होगा, समझा लेंगे बेगम। देखो वैसे शादी का तो मैं इसे कहूंगा, शादी तो करेगा ही। दिन के बाद शादी है और तुम कह रहे समझा लेंगे, कैसे हो सकता है ये? अरे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो तंग आ गई इस घर में आके। क्यों? एक तो तुम्हारी खिदमत करूं और तुम्हारे वो बुड्ढे बाप की भी खिदमत करूं मैं। अरे बुड्ढा ना कहो, वो हमारे वालिदैन है। अरे बुड्ढे माँ बाप को तुम लोग बुड्ढा कहते हो? अरे दुआ के दर होते हैं वो लोग, रहमत है रहमत, उन्हें जहमत ना समझो। बस बस रहने दो। और ये तुम कमरा बंद करके तजुर्बे गाह में क्या तजुर्बा करते रहते हो? वो बेगम तुम्हें नहीं, देखो मैं आज तुम्हें भी बता दूं। क्या बताओ? मैं इस माशरे में एक नई ईजाद करने वाला हूँ। क्या ईजाद कर रहे हो? मैं तजुर्बे गाह में पता है क्या बना रहा हूँ? हाँ? मैं सच की गोलियां बना रहा हूँ, सच के टेबलेट्स। ये लोग खाएंगे ना, सच बोलना शुरू कर देंगे। बस बस रहने दो, बड़े सच बोलेंगे। अरे तुम्हें नहीं पता, आजकल जो माशरे में झूठ फैला हुआ, मैं उसमें सच्चाई लाना चाहता हूँ। आज शबरा भी नजर नहीं आ रहा सुबह से। लो। हेलो, हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं जी प्रोफेसर हामिद बोल रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, बाला छुरी मार बोल रहा हूँ। बाला छुरी मार बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। ये क्या तुमने फला बहुत की कमेटी बनाई है मोहल्ले में? जी मैं सामाजिक काम करना चाहता हूँ इस मोहल्ले के अंदर। प्रोफेसर साहब, आप साइंसदान हैं, अपना काम करें, ठेके मेके मत लें, हमारा काम खराब ना करें। बाला छुरी मार बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, ठीक है, आप तमीज से बात करें। तमीज से अभी आऊंगा, चमाट मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। बात सुने आप, मुझे बदतमीजी ना करें आप। मैं तुम्हारे बात सुनो, ये ठेके मेके काम खत्म कर दो, हमारे आदमियों का ठेका है, समझ गया? बाला छुरी मार बोल रहा हूँ। अरे जाओ, छुरी मार, उठा के ले जाऊंगा घर से। अरे जाओ, उठा के ले जाओगे, बदतमीज आदमी। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मैं बताता हूँ, तुम्हें आता हूँ अभी, मेरे को जानते नहीं हो। बाला छुरी मार बोल रहा हूँ। अरे बंद करो, छुरी मार बोल रहा हूँ। माशरे में जरा सा भी ये लोग नहीं चाहते। कौन है भाई? हाँ शबराती। चलना कुत्ते के कौन मुंह लगे? आप समझा इनको, कुत्तों को। कुत्तों को? जी भाई चले जाए। मुझे किसने लगा दिया भाई? बोल ले मैं लो बताओ, मैं आज तक कहां नौकरी करता रहा हूं ईमान से? आपने भाई बोला उनको? मैं समझा भाइयों ने भाइयों को पहचान लिया। क्या बदतमीजी, किससे लड़ रहे थे तुम? सरकार, ये मोहल्ले के आवारा कुत्ते, हाँ गोश्त लेने जाओ जब भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं इनको मुखबरी कौन करता है कि मैं गोश्त लेने जा रहा हूँ। इनके मुखबर पक्के हैं। कौन? इनके कुत्तों के, छोटे छोटे पिल्ले घूमते ना, इनके मुखबर है वो। सुनते मेरी बातें और जाके अपने बड़ों को बताते हैं, तभी तो मेरे पीछे आते हैं ये लोग। आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? गोश्त लेना अजीब हो गया मेरा। कैसे भाई? अजीब हो गया मेरे ऊपर तो, दोनों तरफ से हमले हुए, ऊपर से चीले आ रही है, नीचे से कुत्ते आ रहे हैं, और बीच में इंसान परेशान खड़ा है कि क्या जानवरों से लड़ूं मैं। कितना बड़ा झगड़ा हुआ आपको पता है? क्या यहां से मैं निकला हूं, अजीब झगड़ा हुआ। क्या? कुत्ते मेरे ताक में, मैंने कदम मारने का ना, वो भी चले। अजीब सीन चल रहा है, मैं आगे आगे, कुत्ते पीछे पीछे। मैंने दुकान से गोश्त लिया, कुत्ते मेरे पीछे लगे, झगड़ा शुरू। वो तो उन्होंने बचा लिया, जो बराबर में नहीं रहते, प्रोफेसर डमडम डीगा। प्रोफेसर डमडम डीगा, पता नहीं क्या मुश्किल सा नाम है उनका। वो डमडम डीगा ने बचा लिया। वो कुत्तों, वो जानवरों की जबान समझते ना, उन्होंने कुत्तों से बात की, मजाक रात हुए भाई। कैसे? बोला क्या चाहते हो?
बोला ये हमारे भाई का गोश्त है जो इसके हाथ में। पता चला कसाई ने, बोला ये हमारे भाई का गोश्त है इसलिए हमारे भाई को मारा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने भाई की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया ईमान से। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता मैंने तो पैसे देके खरीदा। वो झगड़े पे आमादा हो गए। फिर सरकार मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने वो थैला वापस कर दिया, दूसरी दुकान से लेकर आया मैं गोश्त। क्यों सरकार देखो ना, अगर सच्ची बात देखी जाए तो इंसान जो आज का इंसान है उसको कुत्ते से वफादारी, चींटी से कतार लगाना, बिल्ली से घर को पहचानना है सरकार, इस सारी चीजों को इंसान को समझना चाहिए। हमारे में यही तो कमी है, हम अपनी पहचान नहीं करते, अपने मुल्क से प्यार नहीं करते, अपनी चीजों को तोड़ते हैं, तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। आप जो सड़कें बना रहे हो ना, रोज उनमें खड्डे डालते हैं लड़के, मुझे भी देते 10 रुपए, तुम भी डालो। तुम भी उनके साथ? हाँ मैं मिला हूँ। क्या बोलो सरकार, आपको पता चला क्या कल मोहल्ले में क्या हुआ? क्या 5 आदमी आए और चले गए। ये क्या बात हुई? ये बात थी वैसे, आप सोचो तो नहीं। मतलब क्या? बड़ा बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ। कैसे? अरे सांप। मैं झूठा हूं ना, मैं तो बहुत पुराना झूठा हूं सरकार। अरे सांप में शेर बैठा हुआ। शेर यही तो है, मैं बचपन से ऐसा ही हूं। सरकार पता क्या हुआ? कल मैं जा रहा था, अरे लो मैं जा रहा था, रिक्शा नहीं मिल रही, वैगन नहीं मिल रही, और मैं फिर मैं गया इधर से हसन स्क्वायर, जहाज निकाला मैंने जो खड़ा हुआ नहीं है, ले गया मैं। आपने देखा होगा मैं ऊपर से भी गया था। अच्छा वो तुम थे? मैं झूठा हूँ ना। कहाँ से तुम, किस तरह की बातें कर रहे हो? सरकार मेरे, आप भोले आदमी है क्योंकि आप इतने अरसे बाद अमरीका रहकर आए, आपको पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। आजकल यही चल रही है छोड़म छाड़ी, लंबी लंबी छोड़ो, सब खुश लेते हैं, एक दूसरे को सारा दिन यही बताते हैं ये किया मैंने, वो करा मैंने, ये किया। किसने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया। काम किसने किया यहाँ पे? सबने आराम किया। काम किया होता तो ये मुल्क थोड़ा होना थोड़ी शुरू होता, ये बढ़ना शुरू होता, समझ गए ना सरकार? ये वजह है सारी। देखो बात सुनो शिवराती जी, मैं यही कह रहा था तुमसे, इसीलिए तो मैंने भी सामाजिक काम का ठेका ले रखा है। बिल्कुल है ना। अब तुम एक काम करो जी, मैं जा रहा हूँ जरा काम से बावर्ची खाने में, तुम अब्बा जी को निला दो। उड़ी आपके अब्बा को? अल्लाह अल्लाह क्या हुआ? अरे मारोगे आप मुझे, बहुत मारोगे। क्यों भाई? अरे मैंने क्या किया? क्या हुआ? आप मुझे बहुत मारोगे। नहीं क्यों, क्या वजह? आपने कहा था ना दादा पगे कपड़े धो दो। कपड़े निकाले बगैर, दादा अब्बा को कपड़ों से निकाले बगैर धो दिया। अल्लाह की कसम वो तो इतने पतले हैं, पता ही नहीं पड़ा कपड़ों में है कि नहीं। मैंने तो खूब धुलाई की है, मैल बहुत था तो डंडों से भी निकाला। बचे तो नहीं होंगे क्योंकि मैंने बराबर वाले के नौकर को बुलाकर नुचड़वाया भी था। मैं देख क्या, या अल्लाह ये क्या कर दिया मेरे बाप को इसने, बदतमीज साहब ने क्या कर दिया। क्या लिखा है? ओहो बहन से बहन, नीम रेगा से गई मर गई। या अल्लाह मेरी बहन रुकैया का इंतकाल हो गया। अल्लाह मैं क्या करूं? अरे मोहल्ले वाला सुनते हो? अजी सुनते हैं आप, मेरी बहन मर गई। क्या हुआ बेगम? अरे रुकैया की आई, तुम्हें क्यों ना आई? हुआ क्या भाई? रुकैया का इंतकाल हो गया। चलो अच्छा हुआ जान छूटी। क्या नहीं, मेरा मतलब है अब जो बाकी का रोना है वो शाम की चाय पे रो लेना। कितने प्यार से तुम्हें चाय बना के देती थी, अब तुम्हें चाय कौन बना के देगा? पहली दफा
दफा तुम बना के दोगी। अब तुम हंस हंस के किससे बातें करोगे? इसके तो मेरे बहुत से ठिकाने हैं। क्या? आए आए। नहीं। अब तुम बहन किसे कहोगे? तुम्हें कह लूंगा। देखो देखो बेकार की बातें मत करो। क्या करूं? ऐसे करो, टिकट मंगाओ, मैं पिंडी जाऊंगी। 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 क्या तबले और हारमोनियम पे बैठ के जाओगी? नहीं, टिकट मंगाओ, मैं पिंडी जाऊंगी। टिकट मंगाओ, मैं पिंडी जाऊंगा। टिकट मंगाओ, मैं पिंडी जाऊंगा। भैया हैं? भैया क्या हुआ भैया को? हमारी बहन मर गई। हैं? वैगन गिर गई? कहाँ गिर गई? अरे रुकैया को फरिश्ता अजर उठा के ले गए। अरे बाजी, ये हमारा केस नहीं है, ये तो हवाई पुलिस का केस है। रुकैया का इंतकाल हो गया। हैं? अस्पताल तैयार हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे ऐब हैं तुम्हारे खानदान के अंदर। बताओ, अम्मा को देखो कानी, अब्बा गूंगे और ये बेरे। देखो देखो, मरे हुए मुर्दे मत उकेड़ो। हाँ मैंने बोल दिया, बेकार की बातें मत करो। हाय, घबराहट हो रही, घबराहट। पानी है? कहानी? अरे मैं सुनाता हूँ कहानी। वंस अपॉन ए टाइम एक बादशाह था, उसके कुल 35 बच्चे थे, जिसमें से 55 लड़कियां थी। अबे ओ बेरे की औलाद, ये कौन सी कहानी सुना रहा तू हमें? एक बादशाह था, उसके कुल 35 बच्चे थे, उसमें से 55 लड़कियां थी। अरे दूल्हा भाई, तुम तो बेरे हो। 135 135 तो माशाल्लाह से एक आपने नहीं सुना होगा। अरे बंद करो अपनी ये बकवास तुम लोग। क्या करूं? हुआ क्या? हुआ कौन मर गया? सरकार ये क्या बात है, मुसलमान है, मैयत पे तो एक दूसरे से हमदर्दी कर सकते हैं। मैं तो जनाजे ढूंढ ढूंढ के जाता हूँ, क्योंकि जनाजे में कोई नहीं पता कौन किससे मिल रहा है। वो तो मैयत है, सब रो रहे होते हैं। नहीं हुआ क्या? हुआ क्या? कौन मामू फक्कड़ मर गए क्या? अरे फक्कड़ होगा तू, मैं तो जिंदा हूँ। मैं आपकी जिंदगी पे शर्मिंदा हूँ। क्या हुआ? टिकट मंगा, मैं पिंडी जाऊंगा। 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 एक मिनट, ये पिंडी आप लोग कोई फंक्शन पार्टी लेके जा रहे हैं? ये काहे को जा रहा है? नाचते गाते पिंडी क्यों जा रहा है? अरे कंबा, मेरी बहन मर गई। पता मेरे को, पता एक ही थी? नहीं, पांच और हैं। अभी तो बड़ा चांस पड़ा है। कैसी बातें कर रहे? मेरा मतलब है, कैसे मर गई, कहां मर गई, क्यों, किसने मारा? क्या किसने मारा मुझे क्या पता। ये खत आया, मैंने इतना पढ़ा, तुम्हारी बहन मर गई, इससे आगे किससे पढ़ा जावे है? नहीं पढ़ा गया मुझसे। भैया ऐसा करो, ये लो तुम खुद पढ़ लो। लो बताओ किने दे दिया? वो पढ़े लिखे होते तो पुलिस में होते क्या? अबे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश। हाँ हाँ, ये अमेरिका की पुलिस है ना, यहाँ लाओ। आप थोड़ी, आप पढ़िए सरकार, आप पढ़िए जल्दी। चुप हो जाइए। नहीं क्या चुप हो? अल्लाह अल्लाह को यही मंजूर था, एक औरत दुनिया में कम होनी थी, हो गई। खामोश जाहिल औरत। देखो देखो मुझे मत डांटो, मुझे मत डांटो, मेरी पैर में नहीं, देखो मेरी पैर में नहीं, मुझे डांट रहे। पैर में नहीं, आपको डांट रहे? कैसे डांट रहे? ओह माय गॉड, ये तुम्हारा खत नहीं है भाई। फिर किसका है? शबराती का खत है ये। क्या? हाँ और मेरा खत है और वो है।
लिखा है तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया। और मेरी बहन का इंतकाल हुआ और वो रो रही और वो बोल रही है कि मैं मुझसे मिलो मुझसे नहीं औरत मरी है औरत से मिलो। मैं अगर पागल हूं कितनी अच्छी थी मेरी बहन उसकी कितनी प्यारी प्यारी सहेलियां थी टोटल लॉस हो गया। अल्लाह इतनी प्यार अल्लाह मेरे पास तो पैसे भी नहीं है अपनी बहन के लिए मेरा चूड़ियां भी नहीं ले जा सकता। क्या चूड़ियां? तेरी तो बहन मरी है चूड़ियों की क्या जरूरत पेश आ गई? मेरी बहन मरी है ना औरों की तो जिंदा है, है? आदमी कोई गाय में वादे वादे भी करके आता कि नहीं। अल्लाह अब मैं किसे बहन कहूंगा? अबे पड़ोसन को कह लेना तो छेड़ूंगा किसको। मेरा मसला तो वही का वही है ना भाई। ए टिकट मंगाओ मैं पिंडी जाऊंगा टिकट मंगाओ मैं पिंडी जाऊं टिकट मंगाओ मैं पिंडी जाऊं टिकट मंगाओ मैं पिंडी ए टिकट मंगाओ मैं पिंडी जाऊं टिकट मंगाओ मैं पिंडी जाऊं टिकट मंगाओ आप पहले चले जाएंगे इन्हीं आप जाएं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरी कोई रिपोर्ट है मोहल्ले में आपके साथ भी चले जाऊंगा। ये क्यों जा रहे हैं पिंडी? मेरी बहन मरी है पिंडी जा रहे हैं। अरे भाई मेरे को कोई मेरे पे कोई तरस भी नहीं खा रहे आप। मैं क्या करूंगा यार मेरे पास पैसे भी नहीं है। ज़कात को फितरा को चंदा करो भाई मुझे भेजो। अरे शबराती हाँ? वो ऐसा कर सड़क पर चादर बिछा ले बहुत भीख मिलेगी। तो आप क्या करेंगे? मैं ये काम करूंगा आप क्या करोगे? अपने पेट पे खुद लात मार रहे हो जी बातें कर रहे हैं आप। नहीं तो ले गए यहाँ पे सरकार मेरे लिए कुछ करे लीला। मैं गरीब आदमी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा शबराती मगर कितने पैसे? एक लाख। एक लाख मरूंगा को बहुत शौक था कनाडा जाने का। वो हमारे जानने वाले ना इद्रीस साहब वो कनाडा ले जाते उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा मैं ले जाऊंगा पैसे दे दो। अब वो मर गई है तो मैं क्या करूं? उनका ताबूत ही फिरा के ले आएंगे वहां से तो खर्चा होगा उसके ऊपर। फिर दफनाने कफनाने का खर्चा अलग है। आजकल आपको पता है रेशमीन कफन देना पड़ता है। मुर्दे भी लोग घर में नहीं मिलाते हैं ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा क्या हाँ बस जनाजा भेज देते हैं कि जरा अच्छा चेहरे पे नूर बूर लगा के भेज देना। जी हाँ यही हो रहा है ना। एक काम करो ना शबराती तुम बहन के ताबूत पे यहीं कहीं घुमा लो थोड़ा सा मेकअप करा लो कुछ कम पैसे। अच्छा आप कुछ भी दे दो पाँच से दे दो। पाँच से? पाँच से। पाँच से क्या? ये क्या 500 रुपए भाई पाँच से ऐसे बोलना। जी जी आप 500 रुपए सही है ये लो 500। शुक्रिया बड़ी। एक साल की छुट्टी? एक साल क्या? हाँ बरसी करके आऊंगा ना। लिखवाया था। हाँ? तार के मैं लिख
दूं कि इसकी बहन का इंतकाल हो गया ताकि इसे पैसे भी मिल जाए और छुट्टी भी। क्यों शबराती, कैसी रही तरकीब? ये तो कोई तरकीब नहीं, ये तो बहुत ही गंदी बात है। ये तो घटिया आदमी, ये कौन सा घटिया तरीका निकाला है तुमने? ठीक है, जब गरीबों की पोल पट्टियां खुलेंगी तो गरीब भी अमीरों को छोड़ेगा तो नहीं है? आपन तो गरीब है और गरीब तो बाबू बहुत लंबी चिराग होती है। अभी सब बताऊंगा। क्या? हर बात बताऊंगा मैं अभी। क्या बताएगा? नहीं कुछ भी करो, शीश भी कुछ भी सब बताऊंगा जो इस घर में हो रहा सब बताऊंगा। आपने पहले बताया जिल्लत करवाई मेरी, बताऊंगा मैं। क्या आपको पता आप दो दफा मर चुके हैं? दो दफा? दो, जी हाँ, इनके कॉलेज में दो दफा इन्होंने खत लिख के मारा आपको, और वहाँ पे यतीमों के हिसाब में पढ़ रही है, फीस माफ कराई भी इन्होंने, और वहाँ कमरे में आपकी तस्वीर भी लगी हुई है, जो यतीम बच्चे ना उनके अब्बाओं की फोटो लगी हुई है वहाँ, रोजाना फूल चढ़ते हैं आपके ऊपर, जी हाँ फूलों के हार डालते जाते हैं वहाँ पे, जी वो फीस के पैसे ये खाती है, और मेरे खानदान में आज तक जितना आदमी मरा है सब इन्होंने खत लिख के मारा, इन्होंने मारा सारा खत लिख के, अल्हम्दुलिल्लाह सब जिंदा है, आधे तो स्टील मिल में काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सीमी, सीमी ये क्या बेहूदगी है ये? वो देखिए ना डैडी, वो आपके दिए हुए पैसे से मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए साइड में थोड़ा बहुत बिजनेस चलाना पड़ा। छोड़े ना, बच्ची है शरारत करती रहती है, माफ कर दे। अरे इनकी बच्ची है ना तो माफ कर दो। चुप करो, बेहतर था, मुझे तो बहुत मारते हैं अभी अंडर उसे। अरे दूल्हा भाई, ये भांजी बहुत शरीर है, कल इसने एक रिक्शे वाले का मुझसे चालान कराया, 15 रुपए रिश्वत दिलवाए और खुद रख लिए। चलो आपका एक दिन तो सवाम में कट गया, शायद इसी दिन में बख्शे जाओ, ऐसी क्या बात है। सीमी सीमी देखो, अब तुम बच्ची नहीं हो, जवान हो गई हो समझे, और ये अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ओ डैडी देखिए, आप तो हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हैं। वो हाँ मम्मी, आपसे एक बात करनी है। क्या? वो मेरी दोस्त है ना शकुंतला, इंडिया वाली, वो यहाँ 2 दिन स्टे करेगी, उसके बाद उसने अमेरिका जाना है, तो शिवराती सारे घर का इंतजाम तुमने करना है। मैं औरतें आ रही हैं, औरतें वो बड़ा खुश होता हूँ, मेहमान औरतें आए। हाँ किताबों में पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा है? खवातीन का एहतराम करो ईमान से, और बसों में भी तो लिखा हुआ होता है खवातीन का एहतराम कीजिए, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सबसे ज्यादा एहतराम है ना कंडक्टर कर रहा होता है। बहुत बोलने लगा है, चल बहुत बहुत बोलने लगा, गूंगा कर दो मुझे, जबान कटवा दो भाई। दूल्हा भाई, हाँ हाँ माफ करना, दूल्हा भाई हाँ टिकट मंगाओ, मैं लालू खेत जाऊंगा, तू खा का समझाएगा। ये क्या मामू आपके रिश्तेदार है सरकार। मेरी बात सुनो, तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो। मैं? हाँ मेरी बात सुनो, तुम्हारे झूठा हूं ना मैं। देखो शबराती, मुझे तुम मत रहा करो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, तुम्हारे वालिद साहब से मेरी कहां मुलाकात हो सकती है? उनसे? हाँ अभी तो नहीं मिल सकते, बहुत बिजी है। नहीं मुझे काम है उनसे। क्या काम है? तुम्हारी शिकायत करनी है। इस काम की? हाँ अब्बा तो खुद यही काम करते हैं। वो भी? ओ बड़े उन्हीं से तो सीखा, जो कुछ भी है अब्बा की देन है, अब्बा मेरे उस्ताद भी हैं, हमारे अब्बू तो चैंपियन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो अब्बू है। क्या अब्बू मतलब? अभी पिछले दिनों अपने सेठ से 2000 रुपए खाया मेरे नाम पे, बोले शपराती मेरा बेटा मर गया 2002 पी गए। मैं घर से बाहर निकला, मेरे अब्बा का सेठ जा रहे हैं यूं यूं, जल्दी जल्दी टोपी अभी पहन के। मैं सेठ साहब कहाँ जा रहे हो? बोले छबराती तेरी मैयत में जा रहे हो। मैं कहा चलो मैं भी अपने जनाजे में खुद ही चलता हूं। मैं उनके साथ पहुंच गया हूं मौके पे, अब अब्बा ने मुझे देखा और जनाजे वालों ने मुझे देखा, ओए ओए सब बोल खुल गई। फिर जो अब्बू को मार पड़ी है, ठोसे गूसे लहते चमाटे, लोगों ने मारा 400-500 आदमी थे। अच्छा हाँ, तुम कैसे बेटे थे, तुम अपने बाप को नहीं बचा सकते थे? लो मैं पागल हूँ, 500 आदमी से लड़ूंगा, मैं तो खुद पब्लिक में मिल गया। तुम भी? हाँ मैं खुद पब्लिक में, मैंने भी ठोसे
को मार मार कर सुझा दिया। हाँ अब्बा ने मुझे खुद बोला हुआ है। क्या बोले? जब कैसी ऐसी बात हो ना पब्लिक में मिल जाओ, बताओ मत कि हम कौन है आपस में। मैं भी कई दफा ऐसे पीटा हूँ। हाँ, आपको पकड़ा भी। आपको पता है मैं पिछले दिनों कारवान गया हुआ था? हाँ, एक माह की छुट्टी लेके कारवान थोड़ी गया था, जेल गया था। जेल? हाँ, मैं जेल का नाम कारवान रखा हुआ ताकि लोग समझते घूमने फिरने गया हुआ। ये कारवान मरी भी जाता हूँ। मरी कोर्ट लग पर जेल मरी कोर्ट। हाँ, जेलों को अपने नाम रखे हुए अच्छे अच्छे। जी हाँ, किस सिलसिले में गए थे? बस वो सिलसिला बड़ा लंबी चिटिंग हुई थी हमारे अब्बा के साथ। मैं हमारे अब्बा का शादी का दफ्तर था ना पहले। हाँ? शादी का दफ्तर। अच्छा, हमारे अब्बा पहले शादी के दफ्तर में काम करते थे। अच्छा। हाँ, कमीशन पे शादियां कराते थे। कमीशन पे? हाँ। अच्छा, मैं शादियां करता था, सारी शादियां तुम करते थे? हाँ, मैं शादी करता हूँ। हाँ? के बाद है ना मैं पागल बन जाता हूँ। फिर वो लड़की वाले खुद ही जान छुड़ा लेते। अच्छा, जेवर पी जाते हम लोग। पुराना काम है हमारा, एक मिनट में अंधा हो जाता हूँ। एक मिनट में अंधा? हाँ। लड़की का घूंघट उठाता हूँ और यूं हो जाता। वो कह रही इनको क्या हुआ? शिकायत? अल्लाह पैसे आ जा। इसी सिलसिले में तो कागान जाता हूँ। इसी सिलसिले में कागान? यही आना जाना है ना। अच्छा बात सुनो। जी जी। मतलब तुम्हारे वालिद साहब ने कोई ढंग का कारोबार नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे टेढ़े मेढ़े काम। अच्छा मैं ये चाहता हूँ। हाँ। देखो शिवराती, मैं शुरू से ही अमेरिका में रहा हूँ। आप तो अमेरिका में बहुत रहे, इतना तो जॉर्ज बुश नहीं रहा अमेरिका में जितने आप रहे। मुझसे पूछो ना, मैंने तो मोहल्ले में यही बताया हुआ है। हाँ। ऐसी ऐसी बातें बताइए मोहल्ले वालों को, बाहर निकलोगे आप तो पता पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। अबे चूहे, मैं झूठा हूँ ना मुझे। अच्छा सुनो, मैं ये चाहता हूँ तुम शुरू से यही रहे हो। मैं? हम तो यही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इस बात पे फखर करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहे, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। दुख तो उन आने वाली नस्लों का है जो कर्फ्यू में पैदा हुई है, कर्फ्यू में बड़ी हुई है। क्या वो कभी कह सकते हैं कि हमने किसी आजाद मुल्क में जन्म लिया था? बच्चों का नहीं सोचता, सब आज का सोच रहे हैं। आज तो हम सब लड़ भिड़ के अलग हो जाएंगे, रह जाएंगे, मिल जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये फिसाद अगर आने वाली नस्लों में जम गया तो कितने बुरी बात होगी। हम सब एक हैं, ये एक मुट्ठी जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। सरकार, मोहल्ले वालों को चाहिए आपस में एक रहें, बच्चों के अंदर ये तासुब की आग कभी नहीं आए, वरना बहुत ही नुकसान होता है। वैसे मैं जो सामाजिक काम कर रहा हूँ ना, वहाँ कहीं कहीं तकरीरों में तुम भी मेरे साथ आ जाया करो। अरे हुजूर, मैं तो बड़े बड़े जलसों में जाता हूँ। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ। मैं झूठा हूँ ना? मैं बड़े बड़े जलसों में यही तो कह देता, खड़े हो गए किसी भी जलसे में खड़े हो गए तो अबे सांप, जलसा खत्म, अपने पैसे लिए जेब में डाले। तो तुम तो बड़े काम के आदमी हो। मैं बड़ा अल्लाह अल्लाह की देन है, जो भी अल्लाह अब्बा का सिखाया हुआ सारा। इंशाल्लाह आप देखिएगा ऊपर जाके अब्बा ही फंसेंगे, आप अंदर सामने निकल जाएंगे। अच्छा मैं ये चाहता हूँ। हाँ। कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ कारोबार करूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। कारोबार? हाँ, कोई बाहर का शोरूम खोल लें और बाहर खोल लें, इसी बातें कर रहे हैं। हाँ, जो कारोबार कह रहे ना? नहीं, कारोबार बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस? यस। आपके पास शिवराती जैसा जीनियस इंसान है, बिजनेस में बताऊंगा। बताऊंगा आप, आजकल सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा है अस्पतालों का, स्कूलों का। कैसे? सबसे अच्छा बिजनेस यही है, एक अस्पताल खोल ले। चले खोल लिया, बंद कर दे। बंद बंद कर, जब आपने इतनी जल्दी खोल लिया था, बंद कर दे, खत्म कर दे। आपने कहा खोल लिया? झूठ बोल रहे हैं, मेरे मुंह में झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला खोल ले, आपने बोला खोल लिया। नहीं, मुझे दिखाएं अस्पताल में। नहीं, एक मुझे दिखाएं, इधर हो जाए, ट्रक आ रहा है। मैं झूठा हूं ना? तो मुझे क्यों तुम डरा रहे हो? सरकार बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं, आपको बिजनेस करना चाहिए अस्पताल का। अच्छा। अस्पताल का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। अस्पताल का बिजनेस कैसे खोले आप? मैं आपको बता दूं, आप अस्पताल का बिजनेस यूं खोले, एक अस्पताल बनाए, ठीक है, एक अस्पताल बनाए और चार पांच खरीदे वैगने, वैगनों में बिठाए अंधे ड्राइवर, चौथे गियर में गाड़ी हो गई, आदमी नीचे आते जा रहे हैं, अस्पताल में आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, अस्पताल का बिल बनाइए,
माल कमाइए, बिल बनाइए। मुझे कोई सही का कारोबार बताओ, सही का बिजनेस, ये कौन सा तरीका भाई? ये अच्छा है भाई, आप कोई बिजनेस नहीं लगा रहा? नहीं। दूसरा सुने? हाँ सुनो। 4-5-6 ट्रक खरीदे, उनपे पानी की टंकियां बनवाए, ठीक है, और जो गरीब पसमानदा इलाकों में पानी की लाइनें जा रही हैं उन्हें तोड़वा दीजिए, फिर वहां अपने ट्रक भिजवा दीजिए, 5 रुपया डब्बा। बहुत बिकेगा, गरीब आदमी को एक ही चीज फ्री मिल रही है, वो है पानी, वो भी बेच दो ताकि उनके जहन से ये बोझ भी हट जाए ना बेचारों के, साफ हो जाए। देखो घटिया आदमी, अब मैं गरीबों को पानी ब्लैक करके दूंगा। पानी तो मिली गरीबों को ब्लैक रंग का रहा। कैसे? काला। कभी जाके पिए औरंगी टाउन में पानी? वो पानी एक अंग्रेज को पिलाया, पिया, लंबा हो गया, अस्पताल ले गए, रिपोर्ट आई, पानी की रिपोर्ट आई कि ये पानी जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है। जो जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है वो हमारे यहाँ आदमी पीते हैं फिर भी जीते हैं, आप देखिए कितनी अजीब बात है। अब कोई चाहता हूँ कोई अच्छा आइडिया दो ना, ये या आपको तो याद ही नहीं रहता सरकार, क्या आपको तो याद ही नहीं रहता? क्या याद नहीं? आपको वो काशिफ साहब ने जो आपके इमरान खान बने हुए, वो जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने आपके बेटे ने नहीं बताया आपको? क्योंकि वेस्ट इंडीज में कोई अब्बू बेटे के दो अब्बू हैं, वो स्टेडियम बनाना चाहते हैं मेरे साथ पार्टनरी में, वो बनाए ना सरकार। अच्छा स्टेडियम बनाए? अच्छा हाँ, फिर इसमें फायदा? बहुत फायदा सरकार। कैसे? अपना स्टेडियम होगा, साइकिल का स्टैंड का ठेका मुझे दे दीजिएगा, दुकानें खोलेंगे किन्नू की, पत्थरों की। पत्थरों की क्यों? यही दो दुकानें चलती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा किन्नू और पत्थर ही चलते हैं, और तो कुछ चलता नहीं वहां। ये दो दुकानें खोल लेंगे, अपना स्टेडियम होगा, आपके बेटे क्रिकेटर है, अपने क्रिकेटर, अपना स्टेडियम, अपनी पिच, अपनी विकेटें, विकेटों के नीचे धागे, दूर आदमी बैठा हुआ, अपने बॉलर ने बॉल करी, धागा खींचा, विकेट। वैसे भी हमारे बॉलरों को अपील की बहुत आदत है, हर जगह अपील करते रहते, कभी चंदे की अपील, कभी बेनिफिट मैच की अपील, और मैच में तो दो दो मिनट का अपील, बेहतरीन काम हो जाए। अच्छा अब मुझे ये आइडिया पसंद आया तुम्हारा। अब वो काशिफ ने कहा था वो दोस्त के अपने डैडी को लेने गया, डैडी आ जाते हैं, आप उनसे बिजनेस की बात करें, माल कमाने की बात करें सरकार। बस ये क्या हुआ बेल को? ये बेल नहीं है, मतलब मेरा मतलब ये घंटी को क्या हुआ? घंटी? हाँ घंटी का कनेक्शन तो मैंने काट दिया। क्यों? हाँ बहुत बिल आता सरकार, ये तो मैंने बाहर चूजा बांधा हुआ, चूजा वहाँ बोर्ड लगाया हुआ, अंदर आने से पहले चूजा दबाइए, चूजा किसी ने चूजा दबाया, गिर करेगा वो मर जाएगा। जाहिल आदमी चूजा बांध दिया, बताओ अगर बिल्ली आ गई तो हमारे यहाँ तो कोई मेहमान ही नहीं आएगा। उनके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या? वो बहुत ही इंतहाई रईस और करोड़पति आदमी है। कहाँ के रहने वाले? भाई बात तो सुने ना आज यार। जी सर। वो वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पैदाइश ब्राजील में हुई है और उनकी पैदाइश आदमखोरों के हाथ में हुई है। मैं नहीं हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ। शबराती, मैं छुट्टी पे हूँ। अरे शबराती यार, डरो नहीं यार, पूरी बात तो सुन लो यार, मैं छुट्टी में हूँ। बेटा वो कैसी बातें कर रहा है, आदम खोर है वो? मैं डैडी, मैं उनको समझा के लाया हूँ। मेरा बता देना, कहना इसको शुगर है, है? अच्छा वो पता क्या, उर्दू बोलते हैं लेकिन जरा मुश्किल मुश्किल उर्दू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आप समझ लेंगे ना, कबीले के आदमखोर कबीले के हैं। हाँ आदमखोर कबीले के, और पता क्या रक्स उनकी कमजोरी है। नहीं नहीं हाँ बस वो देखते हैं और उसके बाद। नहीं नहीं हाँ समझ रहे ना, और डैडी आप भी ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज ही फाइनल डील हो जाए, ठीक है? फिर हमारा स्टेडियम बन जाएगा पार्टनरी में। मगर एक काम, स्टेडियम से पहले ये सोचो हम लोग बचे तो बचेगा ना। शबराती मेरी जान, तुम घबरा रहे हो, वो वैसे आदमी शरीफ है। अच्छा हाँ, अंदर से शरीफ आदमी है। है तो आदमी ना। हाँ एक बात सुनो बेटा, सही है ठीक है, हम उनके साथ पार्टनरी कर लेंगे, थीक, मगर मेरा एक छोटा सा काम कर दे। क्या? तू शादी के लिए तैयार? यार मैं तुझे कितनी जगह मना कर चुका हूँ शादी के लिए। अब्बा को तुझे नहीं, क्रिकेटरों की यही आदत होती है, फौरन ही फ्री हो जाते हैं। जब मैं कोई बिजनेस की बात कर रहा हूँ, शादी कर ले, और जो लोग कितने लोग उनसे कभी नहीं कहा शादी कर ले। तो ये आपके अब्बू हैं, आपसे कहेंगे ना? अच्छा अच्छा, आप अजीब है, आपने माफी मांगे? सॉरी माफी दो समय, वैसे फ्री है, वैसे हम दोनों बाप बेटे फ्री भी। दादी तुम्हें पता ही नहीं है यार, ड्राइंग रूम में चीता आ गया। चक्राती मैं झूठा हूँ?
नहीं अब तुम सच्चे हो जाओगे क्योंकि वैसे आ रहा है एक कबीले का। उनके सामने मत बोलना। नहीं, नहीं नहीं वो बड़े नाराज होंगे। आप ठीक है हम चला रहा हूँ बिजनेस। माहौल क्या हो गया? ये कौन आ रहा है? दो चार दिन रहे तो अजीब हो जाएगा। हिबाहुआ मुझे तो हिबाहुआ हाओ हम जाके हाथ मिलाओ। ये तो बड़ी आसान और फ्री की जबान है। मुझे भी आ गया। शिवाली हम जाके हाथ मिला ली। हुबाहुआ हाओ हम जाके गले लगाओ। हुबाहुआ हाओ कच्चा नहीं पक्का दोस्त बनाओ। हाथ नहीं गले लगाओ। फिर मिल लेंगे। अभी मेहमान ठीक नहीं फिर मिल लेंगे। अबे कुछ पीने को मंगा ले। अबे कुछ पीने को मंगा ले। अबे तो सारी जानते हो भाई। शिवाली हिबाला का बाला पूरा शहर में लाल आला। पूरा शहर मेरे को थोड़ी थोड़ी ये जबान आती है। बोलूं? हाँ बोलो बोलो। शिवाजी ही भाई मंगल में आओ चलें जंगल में। ही भाई बाहुआ एक दिन तुझे खाऊंगा। ही भाई बाहुआ जब भी बीमारी का समय मुझे बचा ले। ये देखो क्या बातें कर रहे हैं। मुझे देख के जबान फेर रहे होंठों पे। हाले क्या हाले? ओ बाबा सिया वाले ये बताओ ये नौकर है? हाँ जी ये नौकर है। ये शबाले जी हमारा बेटा हमको बनाया। तुम हमारे साथ मिलके पार्टनरशिप में हाले स्टेडियम बना ले। हाले स्टेडियम बना ले। कैसी जबान है यारी? पैसा बहुत पैसा हमारे पास। शिलिंग रियाल पाउंड बहुत। तुम 2 करोड़ हमको दो, हम 2 करोड़ तुमको देगा। मिलके स्टेडियम बना ले। ठीक है ही भाई वाले जरा सांस ले ले। ही भाई वाले आऊंगा नक्शा लेके आऊंगा। ही भाई जाएंगे चाय पी के जाएंगे। कुछ मंगा ले। नहीं नक्शा आप नहीं, असल में ये है कि मैंने कराची शहर का एक नक्शा मंगवाया। आप उस जमीन पसंद कर लीजिएगा, उस पे हम जो है स्टेडियम बना लेंगे। ओढ़ दिया इन्होंने रंग छोड़ दिया। नशा लेके आओला। बहुत बड़ा अफ्रीका वेस्ट इंडीज में बहुत बड़ा हमारा कान है। वाह कितने कान है आपके? हमारा 2 कान है। हमारा एक हीरे का कान है। हीरे का कान कान? ये देखो ये कान है। हाँ ये हीरा। मेरी अच्छी कान बनाई। हमारा एक हीरे का कान है। दूसरे कान में से क्या निकलता है? दूसरे कान में से मैल निकलता है। और मैल कुछ ज्यादा ही निकला है, सारा ही फैल गया। आप जो है ना नक्शा देखिए। शिवराती आ जाओ
भाई बस हाँक ले, भाई बस हाँक ले, इसमें प्लाट छांट ले। नक्शे का पीछा का, नक्शे का पीछा ए ना ना, ना। बहुत अजीज, बहुत अजीज, बहुत अजीज, बहुत अजीज, बहुत अजीज। यला यला इसके कुछ रखे सरकार? नक्शा नक्शा। हाँ नक्शे नक्शे। ये लो, ये कहाँ रख दिया? क्यों? वो तो नाला है। ये लो, लो हम नदी में रख दिया। क्या कर रहे हैं सरकार? हाँ, जो वजन भी मिले गरीबों की बस्ती में डालना। आगे रखो, डिफेंस सोसाइटी में रख दो, ताकि अमीरों पे बोझ पड़े, इन्हें पता चले जब गरीबों पे महंगाई का बोझ पड़ता है तो उन्हें कैसी तकलीफ होती है। जरा इधर भी रखो आप। इमाम आओ, नक्शा पसंद फरमाओ। वाह वाह, आओ शिवा, इधर ये नक्शा जो जमीन है, समंदर, समंदर बोला। चलो 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 सीधी जाम्बो, चलो चलो सीधी जाम्बो, चलो चलो सीधी जाम्बो, हटो हटो सीधी जाम्बो। हिमालय शिमालय जगह, ये जगह बहुत अच्छा। मैं क्या इसमें किसी गुलोकार का घर ढूंढ रहे हो क्या? इवाई 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 कर रहे हो? हमारा आलो बचपन का चमका, जब जगह ढूंढा हमारा आवाज ही मालू निकलता। हाँ अच्छा, सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग, जिंगा लाला हूँ, जिंगा लाला हूँ, जिंगा लाला हूँ। सब उड़ जाएंगे घर वाले, दूसरे के घरों में छड़िया मार रहे हो। ये कौन सा घर पसंद है? जगह खाली पड़ा। यार ये आप क्या पसंद कर रहे हो? जाए कैसी बात कर रहे हो आप? ये क्या, ये मोहम्मद अली का घर है, अभी बाहर आ जाएंगे वो केड़िया वाले, घर को बचा ले, अभी आ जाएंगे सारा केड़िया डिपार्टमेंट टेढ़ा कर देंगे। अभी आगे आगे चलिए, आगे चलिए, चलो चलो सीधी जाम्बो, चलो चलो सीधी जाम्बो। मुस्तफा कुरैशी का प्लाट है, अभी आ जाएगा। नवा खरीदिया सी मकान, तू बिल्डोजर मार के दा दिता, हूं तेरा प्यू बनाएगा सो। आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, सीधी 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 जाम्बो, चलो चलो सीधी जाम्बो। ये पुलिस स्टेशन है। हाँ पुलिस स्टेशन, तो इसको तो बहुत आसान खरीदना है। कैसे? इसको पैसा दो, ये लोग बिक जाता। अरे नहीं, किसी ने गलत बोला आपको, हमारी पुलिस ऐसी नहीं है कि बिक जाए। ये थाने का रहना बहुत जरूरी है, ये थाना नहीं होगा तो फिर ये झूठी एफ आई आर कहाँ कटेगी, गरीब आदमी कहाँ बंद होंगे। ये सारी चीजों के लिए थाने का होना बहुत जरूरी है भाई, को रखना पड़ता। जिंगा लाला हूँ जिंग, यार को मछलियां पकड़ने आयो? जिंगा लाला हूँ जिंगा लाला, सिंगिंग सिंगिंग, यस यस ओके प्लीज। देखे चलो चलो सीधे जाम्बो, चलो चलो लो चलो। कस्टम की बिल्डिंग है वो, कस्टम। हाँ दीवाले कस्टम का बिल्डिंग है। हाँ ये एक मंजिला की, उसका ऊपर का मंजिला किधर है? ये कस्टम की उस जमाने की बिल्डिंग है जब उनकी ऊपर की पैदा नहीं थी, इसलिए नीचे नीचे का डिपार्टमेंट बना हुआ है। जी हटाओ हटाओ हटाओ, आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले। जिंगा लाला हूँ जिंगा लाला हूँ जिंगा लाला हूँ। अजीब ही यार, इनके बयान में और इनके काम में कितना फर्क है। झींगे की दुकान का बोल रहे हैं झींगा लाला हूँ, और पान की दुकान में खड़े हैं। शिवराती प्लीज यार कुछ करो। झींगा लाला कर रहे, अरे भाई ये टीवी स्टेशन है ये। हाँ टीवी स्टेशन। हाँ तो क्या हुआ, इसको तोड़ो? ना कैसे तोड़ो, ये टूट गया तो ये फनकारों का दिल कैसे तोड़ेगा मेरी जान। ये तो बिल्डिंग फनकारों ने अपने पसीने से बनाई है, और जिनके पसीने से बनी है उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो इस बिल्डिंग में एयर कंडीशन कमरों में कुर्सियों में बैठते हैं, उनके बच्चों के स्कूल फ्री है, मेडिकल फ्री है, किराया में रियायत, उनको मकान का किराया भी दिया जाता है। लेकिन जो फनकार जो इस स्टेशन को चलाते हैं, ये बहुत कम उसके जनाजे में जाते हैं। ये रहना बहुत जरूरी है। ये जगह बहुत अच्छा है, इसका क्या हुआ? क्या ये वो लालू खेत है?
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से फीका बोल रहा हूँ, सलाम अलैकुम। अच्छा जनाब, आपकी बच्ची का रिश्ता भेज रहा हूँ, सलाम अलैकुम। अच्छा जी, इनका जरा ख्याल रखिएगा, सलाम अलैकुम। लड़का बहुत अच्छा है, सलाम अलैकुम। आपकी बेटी भी ठीक है ना, सलाम अलैकुम। क्या बकवास कर रहे हैं आप, कौन है? बेगम साहिबा ठीक है, सलाम अलैकुम। अरे मेरी बात सुने, कौन बदतमीज आदमी आप? आपके घर में खैरियत है, सलाम अलैकुम। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, आप कौन है? मोहल्ले में तो सब खैरियत से है ना, सलाम अलैकुम। कुछ बदतमीज आदमी लग रहा है मुझे ये। आप ठीक है ना, सलाम अलैकुम। वालेकुम, मेरी बात सुने तो सही आप। लड़का बहुत अच्छा है, सलाम अलैकुम। एक मिनट में शबराती ना जाने, देखो कौन बदतमीज है, फोन में बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। हेलो, सलाम अलैकुम। लाहौर से फीका बोल रहा हूँ, सलाम अलैकुम। बच्ची का रिश्ता भेज रहा हूँ, सलाम अलैकुम। इनका जरा ख्याल रखिएगा, सलाम अलैकुम। लड़का बहुत अच्छा है, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। लड़की भी अच्छी है ना, सलाम अलैकुम। बेगम साहब ठीक है, सलाम अलैकुम। आप ठीक है, सलाम अलैकुम। आप कैसे हो? हेलो, अम्मी कैसे? वालेकुम सलाम। भाई कैसे? वालेकुम सलाम। पापा कैसे? वालेकुम सलाम। अरे ख्याल है, ये सलामुल्लाह साहब तो नहीं? तुम्हें तो मैं पहचान गया, तुम टेलीफोन के बदमाश। सरकार हमसे एक बात जानते हैं, अरे पानी आ रहा है, पानी। देखो छबराती, सरकार मैं झूठा हूँ ना, तो इसमें यूं मुझे क्यों डरा रहे हो? आप पता क्या सरकार, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आपके घर में शबराती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो शबराती, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। जी सरकार। हैं? मुझे सबको पता, पूरे घर में मैंने तुमसे छुपा के रखी थी। ये बात ये है कि मैं एक तजर्बा कर रहा हूँ, तजर्बा काम है। मुझे मालूम है, पूरे घर पर नजर है हमारी। आप 5-5, 6-6 घंटे तजर्बा गांव में रहते हैं, आप कोई काम ही तो कर रहे होंगे। मैं एक इजाद कर रहा हूँ। जी सरकार, आप क्या बना रहे हैं? मैं सच की टेबलेट्स बना रहा हूँ। सच की टेबलेट? हाँ, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को खिलाऊं ताकि लोग सच बोलना शुरू कर दें। यानी कोई भी आदमी वो गोली खाएगा तो क्या वो सच बोलेगा? सच बोलेगा, गैर इरादी तौर पे। हाँ, जो उसके अंदर होगा वो उसकी सुबह में आ जाएगा। ओए ओए ओए, इस टैबलेट की तो इस वक्त सख्त जरूरत है ना। सरकार जल्दी से बनाए, सबसे पहले हम ये टैबलेट अपने कौम के लीडरों को खिलाएंगे। उनसे पूछेंगे कि भाई बता दो, आपने इस कौम का क्या फैसला किया भाई, एक बार सारे लोगों को खिलाएंगे कि पाकिस्तानी। और मेरा दिल कहता है सरकार अंदर से कि हमारा एक ही पाकिस्तानी खाएगा, उसके अंदर से यही आवाज आएगी, हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, हम आपस में लड़ना नहीं चाहते। और सरकार 3-4 टैबलेट आप मुझे ऐसे ही दीजिएगा एक्स्ट्रा। क्यों? वो मैंने जरा बाबरा को खिला रही हूं। बाबरा क्यों? वैसे ही मेरा खुटका है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है यार। क्या खुटका क्या है? बस ऐसा दिल करता है, वो मेरे को पसंद करती है शायद। ऐसे ही उसमें क्या आ रहा है ये? अरे लो सलमा आ रहा है। मैं इसका मतलब है सरकार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सच की गोलियां बना रहा हूँ, तुम भी कुछ खा लेना ताकि तुम भी सच बोलना शुरू करो। सरकार मेरे को तो छोड़े, आपकी टैबलेट्स बना दें, फिर मेरा काम है इसको माशरे में फैलाना। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े हो, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो, फिर देखेंगे अगले जुम्मे को कितने आते हैं। आगे भी नहीं होंगे, बता रहे हो मैं आपको। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है सरकार, ज्यादा बनाइएगा, ज्यादा टैबलेट, क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ लोगों को 4-4, 5-5 खिलानी पड़े। क्योंकि भरोसा नहीं है, कई ढीठ लोग भी हैं। ये टैबलेट बनेगी इंशाल्लाह। शुक्राती जी, सारे कमरों की सफाई कर ली ना? सारे कमरे साफ कर दिए। हाँ। इतना रगड़ रगड़ के दीवारें धोई हैं, पुराना रंग बाहर आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो, खाने मजे मजे के बनाने हैं, और गोश्त जो है ना
साफ सुथरा बना, बहुत साफ सुथरा बनाएंगे, झाड़ू देके पकाऊंगा उसमें, वो उसमें झाड़ू देगा, उसमें पोछा मार दूंगा। अच्छा मजाक छोड़ो, वो गाड़ी भेज दी एयरपोर्ट? सुबह ही सुबह गाड़ी गई है भाई। वेरी गुड। सुबह ही सुबह गाड़ी भेज दी, गाड़ी के साथ जरा मसला हो गया। क्या क्या? अपनी गाड़ी तो आपको पता किस टाइप की है। हाँ? टायर टोयोटा के लगे हुए, बोनेट मजदा का है, इंजन फॉक्सवैगन का है, दरवाजे ट्रक के लगे हुए, ब्रेक साइकिल के लगे हुए, ये सारी दुनिया के ताबून से ही गाड़ी बनाई गई है। तो इसलिए वो गाड़ी जो है वो मैंने सुबह भेजनी थी, जब उसके दरवाजे खोलने की कोशिश की तो दरवाजे जाम हो गए। क्यों? बस ग्रीस नहीं लगाई, मजबूरन ऊपर से छत काट के ड्राइवर को डालना पड़ा। जब ड्राइवर अंदर चला गया तो पता पड़ा कि टायर पंचर है, इसलिए दूसरी गाड़ी के साथ बांध के मैंने एयरपोर्ट भेज दी। भेज दी ना? हाँ, अपनी गाड़ी जाए पता लगेगा अपनी आई है, चले नहीं चले वो नसीब है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो, मेहमान आ रहे हैं, आप समझ लो मैं जान लगा दूं। एक बात और। जी जी। के मेहमानों के सामने बदतमीजी नहीं होगी? नो नो, मेहमान चले जाए फिर तो है ना, मतलब मेहमान चले जाए तो मेज उलट दूं, कुर्सी उलट दूं, ये बदतमीजी बातें कर सकता हूँ? क्या हो गया तुम्हें? देखिए ओ, ये चूजा मार देंगे लोग, एक तो बार बार मुझे जाना पड़ता है, कई दफा तो बिल्ली ने पकड़ा हुआ होता है, वो मर जाएगा। मेरे पीछे क्यों लगे हैं? हे राम 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 राम, मेरा नाम राम नहीं है, मैं शिवराती हूँ। हे राम 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 राम। हेलो भाईजान। हे राम 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 राम। नमस्ते दीदी। ओ दीदी, ये नजर नहीं आया, दीदा। तू दीदा नहीं, तू नदीदा है, ये तो शेर हो गया, दीदी दीदा नदीदा पपीता। और सुनाओ कैसी है सबीता? ठीक है महाराज। अबो, अरे ये वो, अरे वो शकुंतला है ना, उसके मियाँ है। अच्छा अच्छा जी, आ रही आ रही। चलाइए शकुंतला का है, शकुंतला चलियो रास्ते के लिए है। हाय शकुंतला, हे राम। चलो कुछ तो मिला। पधारिए पधारिए दीदी। भारत से अमेरिका जाते हुए हमने सोचा कि आपसे भी मिलते चले पाकिस्तान में। ये तो आपने बड़ा उद्घाटन किया। हाँ? मैं जो कुछ भी सीखी है हिंदी वो फिल्मों से सीखी है, उद्घाटन बहुत होता है ना उसमें। दीदी महाराज। अच्छा आप, ये कौन है आपके? हाँ ये मेरे पति हैं। ओ कौन सी पति? हाँ। शहजादी पति। अच्छा महाराज ये कौन है? ये आप पति है जी? ये जहूर जाफरानी कमान। अच्छी है ये, बीवी जी की सहेली के। अच्छा शौहर हैं पंडित पोपटलाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं जरा मसरूफ हूँ अंदर। हाँ जी बे, मैं कॉफी लेकर आ रहा हूँ सरकार। हाँ जी बे। महाराज आपका घर बहुत सुंदर है, आप खराब कर दें जी, आपके लिए क्या मसला है? जी जी जी। हाँ जी छक्का। राम राम। यार इनको शारजा का ही छक्का काफी है। ये कौन है? आप पति हैं जी? ये इलायची लौंग। ये इनके शौहर हैं। ये मेहमान आए? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक काम करो जी, शिवराती में जा रहा हूँ, कपड़े बहुत गंदे हो गए मेरे, कपड़े चेंज करने, उनपे प्रेस कर दो। ओके ओके जल्दी, और मत प्रार्थना ठीक है जी, सब लोग बहुत सुंदर हैं, बस आप इनके मुंह पे तेजाब डालिए। राम 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 राम। हिंदी नहीं हिंदी हिंदी हारू क्या?
खजूरे थे क्या? ऐसी स्पीड पे जमीन पे चल रहे हैं आप? महाराज ये कौन है? ये इस घर का पानदान है, इनके दम से ये खानदान जी। नमस्ते। चल, हम तुझे कुछ नहीं समझते। ये तो शेर हो गया। नमस्ते, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। अच्छा शेर हुआ, बहुत अच्छा। आप अपना अपना पंडित जी, जी आप पाकिस्तान आए, आपका शुभ नाम क्या है? महाराज अभी बता रहे हैं, पंडित गिटपी दिल्ली पिलास। पंडित गिटपी दिल्ली, मतलब सही बताए ना? बता रहा हूं, पंडित पंडित गिटपी दिल्ली। प्रकाश, ये था हमारा छोटा सा शुभ नेम। छोटा सा? ये आपका नाम किसी मुजरे में रखा गया? बड़ा रक्षीला नचीला, बड़ा ही कुछ अजीब सा नाम था। महाराज ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जमीन पर टिकने नहीं देती? ये जज्बा हुब्बुल वतनी है, जो पता नहीं क्यों आप लोगों को देख के जोश मारने लगती। महाराज आपने अपना शुभ नेम नहीं बताया। हमारा नाम जी? सुनिए, दूर मिस्टर अब्दुल शकूर। महाराज आप तो हमें अपने ही इलाके के लगते हैं। हम लोग अपना इलाका लेके एक तरफ हो गए और अल्लाह के करम से काफी मजबूत हो गए। जी हाँ जी जी। आपने पंडित जी, आपको जब पाकिस्तान में आए तो कैसी लगी हमारी सरजमीन? महाराज ऐसा लगता था जैसे हम अपने ही शहर भारत में घूम रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे महाराज, जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले कि क्या देखते हैं कि नौजवान लड़के अमिताभ बच्चन के स्टाइल में बाल बनाए हुए हैं, गोविंदा जैसे कपड़े पहने हुए हैं, लड़कियां इंडियन साड़ियां बने घूम रही हैं, जगह जगह इंडियन फिल्में चल रही हैं, जगह जगह इंडियन गाने चल रहे हैं। क्या पाकिस्तान वाले अपना कुछ नहीं करते? हम लोग करते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं। जो तरक्की कर रहा है उसकी टांग खींच कर उसको नीचे कर दे। मगर हम हैं मुसलमान, जब हम इत्तेहाद करते हैं तो माशरे से गंद को पाक करते हैं। अरे हाँ शकुंतला, तुम्हें कस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हाँ प्रॉब्लम तो हुई। क्या? हमारे अनानास, नारियल, बल्कि पता क्या, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी साड़ी लाई थी, सारा सामान रख लिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा उन लोगों ने। महाराज कस्टम वालों ने तो हमको बिल्कुल खाली कर दिया, बस बड़ी मुश्किल से स्त्री बचा कर लाई है। स्त्री भी भाई टैक्स वाला आइटम है, शुक्र है वो छोड़ दी उन्होंने। आप ऐसा करें, अपना नाने का बंदोबस्त है ऊपर कमरे में। तूने सांप के कपड़े स्त्री कर दिए? मेरे अल्लाह क्या हो गया? मिस्टेक। कैसी मिस्टेक हो गई? वो मैं सांप का कोट स्त्री कर रहा था ना, बड़ा वाला। हाँ हाँ। वो बड़ा वाला कोट नहीं है जो जिसमें सर्दी में सारे बच्चे सो जाते? बताना जरूरी है तुझे। और क्या, वो गर्मियों में वो कोट होता है, सर्दियों में लिहाफ होता है वो। अच्छा क्या हुआ उसका? उसको स्त्री कर रहा था ना मैं। हाँ। वोल्टेज ज्यादा आ गया, आपने आवाज दे दी कि वो चावल धो दे। हाँ। वो मैं स्त्री ऊपर ही रखी आया, पिलक लगा निकालना भूल गया, स्त्री ने कोट पकड़ लिया। अब क्या होगा? स्त्री जाम हो गई है। अरे साहब के कपड़े स्त्री कर दे जल्दी से। आज तो जुमा है, दुकानें भी बंद है, कहीं मार्केट भी नहीं खुली, वो बीबी जी जाना शाम को पार्टी पे। अब बताएंगे तेरा मजा। मैं बता क्या करूं? क्या अगर आप एक बोले तो एक बात करूं, बुरा ना माने तो। क्या वो भी आए ना, ये बोल रहे थे बड़ी मुश्किल से स्त्री बचा के लाया हूं।
बहन के पास हाँ बोल रहे थे तो आपस की बात है मांग लेना थोड़ी देर के लिए ठीक है इनसे लेके जी बेहतर बेहतर मेहरबानी फटाफट जल्दी माचिस दियो तो माचिस से मां मैं सिगरेट थोड़ी पीता हूं मैं तो सिगरेट तोड़ रहा हूं मैं तो अच्छा बच्चा हूं मैं डीरा बोला भाई नहीं भाई नहीं मैं साहब को बुलाता हूँ आप उन्हीं के मेहमान है ना साहब साहब आपके दोस्त आए अरे भाई क्या ये कितना अंधेरा कर रखा है खाम खा के लिए कौन भाई ये आपके दोस्त शिवराती आप खैरिये में इनके लिए ठंडी ठंडी खून की बोतल ला शिवराती ठंडी खून की बोतल लाता हूँ क्या कह दिया ना शिवराती शिवराती कबर में तो दो आते हैं ना ये एक क्यों है यार ना भाई देखे मेरी बात सुने बेगम साहब को बुला लो मेरे खाने उनके जानने वाले बेगम साहब बेगम क्या बात है इतनी रात को परेशान कर रहे हैं आपके मैके से कुछ लोग आए मैके से मेरे कौन इसका पता चला इनका भी जानने वाला नहीं है ठहरो शायद बीवी जी के कॉलेज से ना बीवी जी ये देखिएगा जरा पहचानिएगा कौन है कौन है ये मैंने सुना हुआ है ऐसी कोई चीज आए ना तो बत्ती जला दो भाग जाता है फिर मैं जला के आता हूँ अरे अंकल मैं हूँ आपका भतीजा जमाल जमाल हाँ ये क्या जमाल भाई ये गेटअप है जमाल ये क्या दिखाया कमाल जमाल हुसन और जमाल आप इनके कौन है ये मेरा भतीजा अरे यार मैं ईमान से समझ रहा सच्ची के ड्रेप बोले अरे भाई, भाई मैंने गेटअप किया था अंकल रात को एक्चुअली हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी का एनुअल फंक्शन था अच्छा उसमें मेरा ड्रैकुला का कैरेक्टर था ड्रामा लेट खत्म हुआ फ्लाइट मिस हो सकती थी मैंने सोचा गेटअप तो जहाज में भी चेंज हो सकता है लिहाजा मैंने फ्लाइट पकड़ ली जहाज ने जो ही टेक ऑफ किया मैं जनाब उठा सीट से वॉशरूम की तरफ गया वॉशरूम का जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ कमोड पर एक सांप बैठा हुआ है तो कोई बात नहीं सांप के बाद चले जाते आप अरे भाई उसके बाद मैं कैसे जा सकता था एयर होस्टेस ने वॉशरूम को लॉक कर दिया और ऐलान कर दिया कि जहाज में सांप है कोई वॉशरूम में नहीं जाएगा ओए ओए जब ही अखबार में आया था या ये कि जहाज में सांप आ गया अभी उन्होंने ऐलान किया है अच्छा नौकरियां मांगी दरखास्तें सपेरों से अब हर जहाज में एक सपेरा भी जाया करेगा साथ और मेरा ख्याल है वो ये सोच रहे हैं कि पायलट ही को बीन सिखा देते ताकि सपेरे की नौकरी बचे अच्छा तो आप उसी जहाज में थे अल्लाह इन्होंने मुझे भेजा था आपको लेने के लिए अंकल वैसे आप एयरपोर्ट आए थे मुझे रिसीव करने नहीं नहीं तो मैं तो कैंट स्टेशन गया क्या आप कैंट स्टेशन पे नहीं आए अरे यार जहाज एयरपोर्ट पे आता है कैंट पे कब आता है लो ये क्या बात हुई पीआईए कहीं भी उतर जाए पहिए खुले ना खुले उनका सब कुछ मुमकिन है भाई अभी हसन स्क्वायर पे एक जहाज उतार के भूल गए आज तक नहीं लेके गया वहीं खड़ा हुआ मैंने सोचा ऐसी क्या बातें हो सकता है क्योंकि कल एक गाड़ी जो है एयरपोर्ट पे आ गई थी ट्रेन 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 एयरपोर्ट पे आ गई ट्रेनों का भी पता नहीं है ना कभी उतर जाती है कभी चली जाती है ये मसला है ना तारा इसलिए माफ कीजिएगा आपको सहमत हुई
आपकी तारीफ तुम्हारी आंटी नई वाली क्या? नहीं नहीं वो क्या कर रहे आंटी है भाई। हाँ ये तुम्हारी आंटी है, वो मेरी बेटी सीमी है, ये शबराती है। मैं नौकर हूं। ये क्या है भाई? नौकर हूं भाई, आप लोग तो सेठ बेट है ना। नौकर हूं। आप नौकर कम बदमाश ज्यादा लग रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? चलो बेटा ऊपर चलो। एक मिनट। हेलो आंटी। ये हेलो हाय यहाँ नहीं चलेगा, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी तरीके से सलाम करो। ओ बेटियां बगैर दुपट्टे, इस्लामी तरीका। माओ ने बुरके छोड़ के चादर पकड़ ली, इस्लामी तरीका। बेटियां बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल के डिस्को क्लब जाती हैं डांस करने, इस्लामी तरीका। आप कौन है आपा? मैं इस्लामी लड़का हूं फुप्पो। इनसे कोई नहीं जीत सके। अच्छा अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो भाई मेरा सामान बाहर है। हाँ मैंने देख लिया था, आप पेड़ के पीछे रख रहे थे। अच्छा 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 तुमने देखा था। अच्छा घंटी भी बजाई थी आपने, तुमने घंटी का कनेक्शन ही काटा हुआ। क्यों? वो चूजा बना हुआ वहाँ पे। ओहो वो दबाना था। ओह खून टपक रहा, चूजा तो नहीं खाया है आप? नहीं नहीं मुझे नजर नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल मुझे आपसे बात करनी है। डैडी ने आपको लिख तो दिया था फाइनल ईयर लॉ का, मुझे अब यही करना है और प्रैक्टिस भी मैं यही करूंगा। क्या कर रहे हैं आप? लॉ की प्रैक्टिस यही करूंगा। लॉ की प्रैक्टिस? मैं यहाँ पे टिंडे की प्रैक्टिस कर लॉ की टिंडा हो सकता है, मैं खरबूजे में भी कर लू, मेरा कोई नहीं। पपीतों पे भी प्रैक्टिस हो सकती है। अरे भाई, अरे भाई मैं विकालत की बात कर रहा हूँ, विकालत की प्रैक्टिस। विकालत? मैं जलालत की बात कर रहा हूँ। देखो अच्छा एक काम करो बेटा, ये अपने दांत जो है ना शबराती को दे दो, चलो और आओ कपड़े चेंज कर लो। ले आप ले जाओ। ले जाओ ना। आओ बेटा मेरे साथ, आप दिखाओ जाके किसी को दांत दिए। बेगम साहिबा। अरे तो क्या बात है? वो तनख्वाह तो दिलवा दें आप। अभी यही बोलना जरूरी तुझे ये सब बातें? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। सफाई कर, चल सफाई, हर वक्त सफाइयां ही करते रहो, एक दिन ये पूरा घर ही साफ कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा देख कौन आया है। अभी आप भी देख लिया करें। मैं ही देखती रहती हूँ हर वक्त। हाँ देखती तो खाली पटर पटर करता रहता है। अरे कौन है ही कर क्या गया? पूछ रहा अंदर कौन है। कहते बेगम साहब हैं घर पे। मैं बेगम साहब हैं बुल्ला के लिए क्या? कहते साहब है घर पे। ओए साहब है, जाओ चलो जाओ। अबे कहाँ खड़ा हो, बैठ गया देखो जमीन पे। अबे जाना है तो दो थमाना दो दो। क्या हो? देखो 1 रुपया दिखा रहा मेरे को है? 1 रुपये का नोट दिखा रहा है। अबे 1 रुपया आदमी समझ रहा है? दो थमाना क्या? वो खत दिखा रहा। क्या खत दिखा रहा? खत देख तो कौन है। कौन है बे? डाकिया। चोर है, दिमाग खराब। किसका खत है ये? इसमें फोटो नहीं होती है, ये कोई टीवी नहीं आया है, खत आया है। पढ़े आ ले। मुझे दे रहा है, तू पढ़ के सुना ना। मैं पढ़ के सुनाऊं? मैं पढ़ू? हाँ तू पढ़। मेरा क्या मैं पढ़ लू? क्या मेरा क्या मैं पढ़ लू? तो पढ़ पढ़ ये पढ़ ले। तो प्यारी आपा सलाले को वाले को सलाले वाले, तू शाइन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। मेरे खाने खत आपको अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा, शेर तो उन्हीं गाए हैं। पढ़ पढ़। मैं यहाँ खैरियत से हूँ, दुनिया जाए बाहर में। अच्छी बात है, बड़ी आपका खत मिला पढ़ नहीं सकी, क्योंकि मुन्ने ने उसकी पतंग बना ली थी। कन्नों पे लिखा था तुम ठीक हो, 2 कमीज का, 2 पतलूनों का, 2 पजामों का और 3 बुरखों का कपड़ा भेज रही हूँ। वाह वाह वाह,
बहन हो तो ऐसी, कितना ख्याल है से मेरा। ये सब कपड़े सिलवा के भिजवा देना। अब कैसी है बहन? चल आगे बढ़, आगे। तो चला जा रहा है आगे पढ़। आगे जाके पढ़। उधर किधर जा रहा है? आप बोलियो ना, आगे जाके पढ़। आगे पढ़, इसमें क्या लिखा? आगे पढ़ू? हाँ। शिवराती को 700 रुपए दे देना। क्या? शिवराती को 700 रुपए? 700 क्या बोल? 700 रुपए शिवराती को दे देना। शिवराती बहुत अच्छा नौकर है, ऐसा नौकर चिराग लेकर भी ढूंढो, लालटेन लेके ढूंढो, ट्यूबलाइट लेके ढूंढो, ऐसा नौकर जन्नतियों को मिलता है, उसे बहुत प्यार करना। ये कंबक, ये खत पढ़ रहा है? ये खत ऐसे पढ़ते जाहिल? जाहिल तो आप लोग हैं, जब मुझे पढ़ना ही नहीं आता मुझसे पढ़वाते क्यों? पढ़ना नहीं आता भी तो यार खत ऐसे ही तो होते, अंदाजे से पढ़ता आदमी। मैं ठीक हूँ, नहीं आ रहा हूँ, चले गए, अब्बा जी बीमार थे, दो दफा खांसी निकल ली है, ऐसे ही होते हैं खत। मेरे ना ऐसे ही होगा, अंदाजे से यही पढ़ा जाता है यार। यही भी लोग हैं ईमानदार, इन लोगों को समझ में नहीं आती है। ये कभी कहाँ? कौन? बेगम साहिबा अंदर गई है। सुनो शिवराती जी, जाओ, मेरी इजाद मुकम्मल हो गई। कौन सी? वो जो आप वो सच की गोलियां बना रहे थे? हाँ, सच की टेबलेट्स तैयार हो गई हैं। ईमान से अब बस पता है क्या, जिसे खिलाओगे ना वो वैसा ही हो जाएगा और 3 मिनट के लिए सच बोलना शुरू कर देगा। अरे कितनी अच्छी चीज है सरकार की, क्या चीज किसमें? दिखाई दिखाई। वाह क्या गोलियां आपने बनाई हैं, मैंने आपकी जेब में से 10 रुपए चुराए थे। शीशी में इतनी ताकत है तो गोलियों में कितनी ताकत होगी? बस मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ। कि अब ये गोलियां तो हो गई तैयार। हाँ। तजर्बा किस पे किया जाए? तजर्बा? हाँ। मैंने बोला तजर्बा कम बेगम साहब। नहीं नहीं, देखो वो मेरी बीवी है, 30 साल से मेरे साथ है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, जैसी वो अंदर है ना वैसी बाहर है, उसके दिल में कुछ नहीं है उसे। सरकार आप अजीब बात है, आप एक दफा तजर्बा करके तो देखें। देखिए जो आदमी ज्यादा करीब है उसी पे तजर्बा करना चाहिए, नहीं ताकि पता पड़ेगा वो अंदर से कैसा है। नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ उसे। तो भाई मैं कब कह रहा हूँ प्यार नहीं करती, वो करती है, लेकिन आजमाने में क्या, हमें तो यही पता करना ना कि गोली सही बनी है कि नहीं। ठीक है ठीक है, उसे आजमाते भी है और उसकी ट्राई भी हो जाएगी। ये बात है ना, आगे मुझे दे दीजिए, मैं अभी ट्राई करता हूँ। आप एक काम करें, अब ट्राई के लिए जरूरी है कि कोई हादसा हो जिस पर वो, यानी कि उनको ये पता चले कि उनको कितना गम है। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या गम है। मेरा मतलब है कि आप अगर मर जाएं, मैं मर जाऊं, हाँ तो पता पड़ेगा ना कि उनको क्या गम है। अच्छा, ऊपर से पिला देंगे पानी। हाँ। तो अंदर से सही रिपोर्ट आएगी। ठीक है, तो मैं मर जाऊं? हाँ मर जाए बिना वजह। हाँ तो और क्या, लोग वजह से मर रहे हैं। कोई बेचारा अखबार रख रहा वो मर गया, कोई सड़क पार कर रहा वो मर गया, ये वजह से मर रहा है, बेवजह ही मर। ठीक है, मतलब कौन सी बीमारी से मरूं? आप मरे, बड़े लोग मरते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? हाँ। दिल का दौरा मुझे? हाँ हाँ। ठीक है, मुझे दिल का दौरा पड़ा। हाँ। ये मैं आया। आपका दिल यहाँ तो घुटना इधर हो, आपकी तो फिटिंग ही गलत है। दिल यहाँ, जिस दिन मैं घुटना दबारा था तो आप बोल रहे थे ना ना मेरा दिल बिछरा है। अच्छा, आपका घुटना यहाँ हुआ? तभी तो जिसको कंधा मारते मर जाता वो। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा था तुम्हें शिवराती कि मैं आया, मुझे ठोकर लगी, फिर दिल पे असर हुआ। अच्छा ऐसे। हाँ। तो ऐसे नहीं, आप दिल पे असर ले। अच्छा, दिल का दौरा? यस। ये मैं आया। ये आपका दिल कुछ छिछोरा नहीं, इधर इधर से इधर, आप एक जगह दिल को टिका क्यों नहीं रहे? आज सरकार ये बताइए रेखा कहां रहती? रेखा इस दिल में। आप दिल का सही एड्रेस पता पड़ा ना क्या? ये यहाँ दिल का दौरा। आप बड़े लोगों को दिल का दौरा कैसे पड़ता है आपको मालूम? बातों बातों में ये बड़े लोग ना। हाँ। ये फटाफट मर जाते। कैसे? ये गरीब मरने में टाइम लेते, बेचारे सिसक सिसक के मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं, गुर्बत में, माचरे में, अजाब में, बोझों में, टैक्सों में, महंगाई में, सब में पिस पिस के मरते हैं। अमीर तो यूं मर जाते, गरीब है बेचारा, कभी हाथ काट दिया, कभी पैर काट दिया, कभी नाक काट, गान काट, एक तरीके से पीसीस में मरता गरीब, अमीर मरता यूं।
हार्ट अटैक क्यों मरा? फास्ट लाइफ कैसे? अरे हाय मैं बात करते करते मरते, मैं जा रहा था तो मैं पेरिस गया, पेरिस से उतरा, फिर पेरिस पे चढ़ गया, पेरिस से जंप मारी, फ्रांस में कूद गया, फ्रांस से रस्सी फेंकी, लंदन पे चढ़ गया, लंदन से एफिल टावर में निकल गया, इधर से मैं आ वो जा रहा है, वो जा रहा है। उड़ी ठुकाई हो रही है, मार रहे यार, कहां लगा रहे मुझे? अच्छा, सरकार ऐसे ही बातों में मरता है। अच्छा इस तरह या ये एक्चुअली हुआ ये कि मैं पेरिस जा रहा था, पेरिस से मैंने झप मारी, कहां पे? जहन्नुम। जहन्नुम वहाँ जहन्नुम में, जहन्नुम से मैं निकला तो मैं लंदन गया, लंदन से मैंने एक डबल पत्ती का पान खाया और फिर बिल्कुल सही, जो लंदन में पान खाएगा उसे ऐसी मौत आएगी। हर जगह पान खाओ, पान ना छोड़ना, लंदन में भी पी के मारो, पिछोड़ 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 पकड़ पकड़ के अस्पतालों में, जब भी तो पाकिस्तानियों को बंद कर दो, समझ जात को ब्लड कैंसर का केस आ गया, हर जगह पीट पीट, जहाजों में भी थूकते आप लोग, ऐसी को बात है पान खाने को लंदन में यार। अच्छा लोग लंदन आइसक्रीम खाने जाते, आप पान खाने जा रहे हो? नहीं सरकार स्टाइलिश मौत। अच्छा मैं ये दफ्तर से आया। हाँ बड़े लोग दफ्तर से आके मरते है ना, दफ्तर से आया। हेलो, हाय शिवराती, हाय, ठीक है? या गुड, या पिछले बार आप कोई कंकर लगने से मरे? नहीं लगा, किसी ने आपको गिरोल से मारा, हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक था? इतना सुकून वाला हार्ट अटैक तो आदमी को होता, आदमी तड़पने लगता, बेगम मेरा साथ, मेरा सिलसिला मुनकता होता है, फेफड़े खून ऊपर फेंकते। ठीक है मैं समझ गया। हाँ बेगम, वेरी गुड वेरी गुड, यही चाहिए। ये गमला सर के ऊपर मान लीजिएगा जब ज्यादा हो, तड़पे वो साइकिल वाले का पंप याद रखे। दौलत नहीं थूको, मैं
किस तारीख है पहली के बाद सोचिए। शिवराती किसी तरीके से हमें रोक ले, अल्लाह रोक ले, इन्हें रोक ले। बेगम, बेगम मेरी एक वसीयत है बेगम, जब मैं मरूं तो मेरे हाथ में एक गिलास हो। ले अल्लाह, ये चारा टून हो गए जाएंगे, हम सबको भी फंसवाएंगे। ये बोलेंगे शिवराती ने गिलास बना के दिया था। रोक ले शिवराती ने, रोक ले खुदा के वास्ते। अगर मैं रोकने वाला होता तो मैं अपना बाप को ना रोक। मैं क्या करूंगी इसके बगैर, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, कहां नौकरी करूंगा, मुझे कहीं लगवा के चलेगा। बेगम मेरी एक वसीयत है कि मैं मरूं तो मेरे हाथ में एक शरबत का गिलास हो, वो गिलास तुम मेरे हाथ से पियो तो मैं अल्लाह के पास जाऊं तो अल्लाह मियां से कह सकूं, ए अल्लाह मेरी बीवी ने मरते वक्त भी मेरा कहना माना था। नन्ही नन्ही ख्वाहिशें हैं ये, ए अल्लाह नन्ही नन्ही, मैं क्या करूं, मैं घर तोड़ दूंगा, अल्लाह मैं ये घर तोड़ दूंगा, अल्लाह मर जा, मर ना, मैं घर तोड़ूंगा, मैं किलोरी तोड़ूंगा, बता रहा हूं। हां सदर मेरी बात सुनिए, अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि मैं शरबत पीऊं, शरबत तो क्या मैं आपके खाते जहर भी पीने के लिए तैयार हो सकता है? मैं ला रहा हूं, नहीं छोड़ के जाना, नहीं छोड़ के जाना। अल्लाह कौन सबर, कौन सा शरबत, शरबत लाओ, अनार का ले आऊं। अनार का क्यों, मेरा दिल चाह रहा था ना इसलिए बोल रहा हूं। वो शरबत, शरबत लीजिए सरकार, ये आपका परहेज है, आपका परहेज। सरदार पियो, ये देखिए मैं आपके खातिर ये पी रही हूँ। सरदार मुझे छोड़ के मत जाना। से अल्लाह मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी अल्लाह, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। सरकार, सरकार वो मैंने आपको टोपी दी थी इंग्लिश में, कहाँ रखी रखी, बता के जाइए। मुझे भी ले जाइएगा सरदार, मुझे भी ले जाइएगा, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल्ली वाले। पीने पीने आखिरी ख्वाहिश सरदार, देखिए सरदार आनी राजी, सबको इतना करते शबराती ये चले गए। सबको बताओ
नहीं, जूते आएंगे नहीं आएंगे। अल्लाह रहम करे। अल्लाह सीमी यतीम हो गई। हाय अल्लाह सीमी यतीम हो गई, सीमी यतीम हो गई, लेके अंगड़ाया पंखड़ी गुलाब दी, आज यतीम हो गई सीमी यतीम। मुझे कह रहे थे चश्मा तू ले लियो सबका, सरकार का चश्मा है अपने पास ही रखू। डैडी आप अकेले क्यों चले गए? डैडी बेगम साहिबा को भी साथ ले जाते, मुर्दों का भी दिल लगा रहता। मैं अखबार वालों को फोन करती हूँ, कितना बड़ा प्रोफेसर मर गया है। रुक जाइए, रुक जाइए, मत बुलाइए, मत इतना दीजिए किसी को, मत दीजिए इतना किसी को। सरकार मुझसे जब भी मिलते थे, हम दोनों तहखाने में बैठ के नौ गोटी खेलते थे। हमेशा मुझसे कहते थे जबराती मैं मर जाऊं रोई हो नहीं, मैं मर जाऊं रोई हो नहीं। कौन कहेगा मुझसे ये सब, मैं किसे साफ करूं? मुझे दफनाना मत। पता नहीं शायद इनको कराची के हालात का इल्म था। सब जानते थे ये अच्छे आदमी थे ना, नेक आदमी थे, नेक रूह थी, यूं निकली है, वो जा रहा है। कह रहे दफनाना मत शबराती, मेरी मैयत को जला देना। सरकार के जिस्म पर किसी रक्कासा की रूह घुस गई है। डैडी आप जिंदा हैं? आप जिंदा हैं? अल्लाह ना करे। मुझे तनहा छोड़ दो तुम सब। चलो चलो निकलो बाहर, सब सरकार ने चिल्ला खींच लिया। चलो ठीक है हम जा रहे, कोई काम हो तो शबराती आपके पास है। हाँ मैं तो इनके जहाज में आया हूँ ना, मैं तो यही रहता हूँ 12 घंटे। इतनी मुश्किल से खुशी नसीब हुई थी वो भी छिन गई। अभी तक असर है भैया। देखा देखा शबराती तुमने, ये मेरी बीवी थी। क्या बीवियां ऐसी होती हैं? अरे बीवियां तो शोहरों की खिदमत करती हैं। ये कैसी बीवी है जो खिदमत करने के बजाय उसे जान से मारना चाहती? बंद कर दो ये टैबलेट्स, बंद कर दो ये टैबलेट्स। नहीं चाहिए मुझे टैबलेट्स जो सच्चाई के रिश्तों को भी चुटला दे। सरकार ये पंगा भी तो आपने लिया था, पंगा लिया है तो निभाना तो पड़ेगा। सोचिए सरकार, अगर सच्चाई का सामना सच्ची गोलियां बनाने वाला नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपने कैसी चीज बनाई है जो इस माशरे के काम आ सकती है? क्योंकि इस वक्त जरूरत है हम सबको कि हम अपने अपने नकली खोलों में से बाहर आएं, अपनी असली शक्ल एक दूसरे को दिखाएं, पता चले कि ये मौसम ही है इस वक्त कि आओ सच बोले, एक दूसरे से सच सच कहें। कदूरतें नफरतें तासुब को रखने का टाइम नहीं है सरकार। और अगर आपने इतनी बड़ी ईजाद की है तो बेगम साहिबा को अगर हमने टैबलेट खिला के पता कर लिया तो आप उन्हें कभी बताइएगा मत कि आपने ऐसा किया, वरना वो सारी जिंदगी वो आपसे आंख नहीं मिलाएंगे। एक बात और बताऊं आपको, गिरा में बांध लीजिएगा मेरी ये बात, एहतियात कीजिएगा कि कभी कभी ये गोली मैं ना खाऊं। क्यों? फिर जो कुछ बाहर आएगा ना वो दुनिया से बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने पहले अपनी रिपोर्ट आपको दे दी है, मेरी एहतियात है इसमें, शीशी में लिख दे शबराती से परहेज करें। ठीक है, वैसे अब मैं ये टैबलेट्स
पूरे माशरे में फैला दूंगा। मैं फैलाऊंगा जी, दे लाओ तो सही, सब जगह दूंगा, पुलिस स्टेशनों में, कस्टम में। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शिवराती। बस सरकार, बस अब ये मेरा तजर्बा कामयाब होना चाहिए, 100% कामयाब होगा, है ना। मैं तजर्बा गाह में जा रहा हूँ और मेरा ख्याल फोन है। सुने, अगर कोई मेरा पूछे उससे कहेगा सोफा साफ कर रहा हूँ। हेलो जी, जी जी जनाब, कौन? रिश्ता एजेंट? अच्छा अच्छा, मेरी बेटी के शादी के सिलसिले में आ रहे हैं। अच्छा, करोड़पति लोग पूरी दुनिया का दौरा कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, अभी आ रहे हैं, भेज दिया, रवाना हो गए। अच्छा अच्छा, मेहरबानी, मैं तैयार हूँ जी। हाँ शिवराती, शिवराती जी सरकार, मेहमान आ रहे हैं। क्यों? मेरी बेटी की शादी के सिलसिले में रिश्ता आ रहा है, और हिमाचल से करोड़पति लोग हैं। दुआ करो मेरी बेटी की शादी वहां हो जाए। अरे सरकार, मेरी नेक दुआएं बीबी जी के साथ हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये सरकार, रिश्ते को आने दे, क्या करोड़पति होगा वो, जो अपन अपने घर की शान बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैं बता दूंगा उनको। क्या? मेरी तनख्वाह 20 लाख है। आपको देनी थोड़ी है, मैं बोलूंगा ना। हाँ अल्लाह के साथ मैं बोलूंगा। अरे मुन्नी बेगम, मुझे किस धंधे में लगा दिया? खैर, ये तो इससे मैं परे। शिवराती, शिवराती, देखना कौन आया जी, देखना कौन आया, चाहे तो रिश्ता ना। अच्छा हाँ, ओए चूजा मर जाएगा बे। अल्लाह करे अगर वो रिश्ता आ जाता तो मेरी बेटी तो सुखी हो जाएगी। कौन है? आइए। सेठ, सेठ पीतल बख्श। जी आपसे मुलाकात। यस, कौन है? है? क्या भैया घूंगे आप? यस शी। कौन शी? शीशी। शीशी भरी गुलाब की। रिश्ता रिचि रिचि आयो। अरे आप है वो? दौरा दौरा करोड़पति। आइए आइए जनाब, बैठिए बैठिए ना। आइए नशीर भाई, प्लीज नशीर भाई, सिट डाउन। आइए सिट डाउन, बैठे। थैंक यू। एक्चुअली जी जनाब, मैंने दुनिया के तमाम ममालिक का दौरा किया जी, हर मुल्क की लड़की को तारन तारी किया जी। नहीं नहीं, अपने बेटे के रिश्ते के लिए। अच्छा अच्छा, मगर हमें कोई लड़की पसंद नहीं आई। हम अपने मुल्क पाकिस्तान आया, हमको इधर तुम्हारी बेटी का बहुत तारीफ सुना। शुक्रिया। हमने सोचा अब हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से मनाना मांगता। और दौलत तो बहुत है, बहुत दौलत है, पता नहीं कहाँ कहाँ दौलत रखी हुई है, बैंकों में दौलत है, बल्कि हमें तो यही नहीं पता बैंक कहाँ है। खुद नहीं पता। बाहर दरवाजे के बाहर रख देते साहब पैसे, खुद ही लोग जमा कर लेते। हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम है, खजाने हैं। क्या बोलूं आपको, सुबह देख ही नसीब ना हो। हाँ जी, देखे ये तो 100 नोट है ना, कोई बात ही नहीं है, ये पसीना है, ये गरीबों को दे देते। अभी फिर पहुंचेंगे आप देखिए। सरकार ये है शान, और जब ये नहाते जब का देखो, 15,000-20,000 से तो खाली बाल खुशक होते हैं। ओ नो, ये मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे अपनी कब्र में जाना है। यस, और आपको अपने जहन्नुम में जाना है। यस यस, और क्या ऐसी बात थोड़ी, हम तो झूठ ही नहीं बोलते। हाँ, कुछ पीना पसंद फरमाएंगे? कोक। कोक? यस, नो प्रॉब्लम। हेलो कोका कोला कंपनी, हाँ फायर ब्रिगेड बुलवाओ अपने पास, उनकी गाड़ी में कोक भर के भेज दो। गाड़ी भर के कोक? हाँ, हमारे यहाँ एक दफा आग लग गई थी, 7-Up से बुझाई थी। बड़े लोग हैं ना। हाँ, ये तो भाई आपको क्या पता, रूह अफ़ज़ा से तो नहाते हैं, सारा दिन बदन पे चींटे चढ़े रहते हैं। आपको क्या पता है, बहुत बड़े आदमी। बिग मैन। यस, अब बड़ा, अब पैसे का क्या पता आपको, कितना पैसा? ओ बे इंतहा। हाँ हाँ, कॉल आई है, कॉल जी पूना है। हाँ
हेलो हू होल्ड प्लीज सर, अमेरिका के वजीर दाखला का फोन है, आपसे वजीर खजाना बात करेंगे। हेलो या बीच में तर्जमे वाला भी है। हाँ भाई हाँ, क्या कौन है? वजीर खजाना अमेरिका का, क्या चाहिए? हाँ सेठ साहब का पैसा चाहिए। हाँ दे देंगे, हमें कितना? $5 भिजवा देंगे। आप अमेरिका से करोड़ों डॉलर ले सकते थे, क्या उसको $5 नहीं दे सकते? इतना कर्जा तो हम दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यस यस, $5 तो कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ यस, असल में बात ये हुई कि हमने अपने बेटे के लिए बहुत दौलत रखा है, करोड़ दौलत। अच्छा, उसके नाम है। लेकिन आप ही बताइए कि आप अपनी बेटी को जेल में क्या कह देंगे? इन्हें बताएं कि क्या क्या जेल में दिया है। जी हाँ, जब पहली दफा शादी हुई थी ना बीवी जी की, शबराती पहली वाली की हुई थी। अच्छा, पहली बेटी की? हाँ, कितनी बेटियां पता है? नो 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 यस नो नो नहीं नो नो आठ के बाद नो आठ के बाद नो सात के बाद दो वाले नो दो वाले नो बेटियां हैं। नो बहुत जबरदस्त शादियां की है साहब ने। एक बेटी की शादी ढाका में की थी, जैस में दो सैलाब दिए। जैसा मुलुक है ऐसा जेल देते। अच्छा, अभी ब्राजील में एक बेटी की शादी की है, दो फुटबॉलर दिए। हॉलैंड में शादी करी, 15 गायें दी। सही बता रहा हूँ अब कराची में करेंगे आपकी शादी बेटी। तो आपको गोलियां देंगे, पत्थर देंगे, आग देंगे, घिराव जलाव देंगे, 5-6 दिन का कर्फ्यू देंगे। जैसा शहर है वैसे ही जहाज देते हम। कैसी बात है? खैर असल में मुझे यहाँ आने के लिए बहुत परेशानी हुई, रास्ते में बहुत परेशानी हुई। गाड़ी मैं लेकर आया था मगर सड़कें टूटी हुई थी। अच्छा, एक जगह गाड़ी मेरी रुक गई तो वहाँ पे गरीब लोग जमा हो गए। मैंने वो गाड़ी गरीबों में बांट दी, किसी को गेट दे दिया, किसी को स्टेयरिंग दे दिया। मैंने कोई बात नहीं रखे, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो बड़ी गाड़ी लाऊंगा। मैं लांडी से खुद पैदल आया हूँ। बहुत अच्छा किया, जब भी आप थोड़े रह गए। कोई पानी? गर्मी बहुत पानी। शरबत? यस शरबत पीएंगे? यस, एक गिलास इनका भी हक बनता है। शरबत पीजिए, पक्की रिपोर्ट दीजिए। असल में इंशाल्लाह बच्ची तो बाल बाल बच्ची है, ये किस फैमिली में जा रही? कुछ दिनों के बाद वो भी कहीं स्टेशन पे खड़ी रहती। ए बाबा, मैं तो ये सोच रहा हूं आपके नवासा नवासी कैसे होते। नंगे पैर 1 रुपया दे दो। देखा? अरे वाह, क्या गोलियां बनाई है साहब। ये है मेरी इजाद का कमाल। सही बोला, खुलकर सामने आ गया साहब। बिल्कुल ही खुल गया जी, है ना? ये तो ऐसा खुला बंद भी नहीं हो सकता। बस अल्लाह ने मुझे बचाया, अब मैं जा रहा हूँ और टेबलेट्स बना और लाखों की तादाद में बनाए। ठीक है, जितनी बना सकते बनाए। हाँ, मैं भी कुछ तजर्बे कर रहा हूँ। मैं भी लगा हुआ अपने काम में।
मैंने भी आपको पता ही नहीं है साहब, आपकी साहबजादी को एक गोली पिला दी है। बड़ा यूं देख रही थी दिन छबरा दी। मैंने सोचा चिराई में क्या है, गरीब आदमी है, डिफेंस का पिलाट मिल जाए तो दुआएं दूंगा अल्लाह में। अल्लाह बस गरीबों के साथ है। शबराती पहले तो होता था, अभी शबराती इसका मतलब है गोली चल पड़ी है। शब्बू आ शब्बू कलब्बू शब्बे कई बच्चों के अब्बे। बेहतरीन काम हो गया ये शब्राती। आपको मेरा ये टर्निंग पॉइंट कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही हूँ, तुम यहाँ हो। मैं खुद आपको कहीं कहीं छुप छुप के देखता रहता हूँ। अच्छा वो शबराती, तुम इस घर से नौकरी छोड़कर नहीं चले गए? मैं पागल हूँ क्या? वरना मैं सारी जिंदगी पछताती रहती। शबराती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। माय गॉड, आप यकीन करो मेरे भी कुछ ऐसे ही सपने हैं। मैं दिल चाहता है बन पतंग उड़ जाऊं, किसी की हाथ ना, सिर्फ तुम मुझे लंगर मार के गिरा लो। दिल चाहता है जीप हो पजारो, पजारों में मैं हूं, आप बैठी हो, आपके बाल उड़ रहे हूं, मेरे भी उड़ जाए, मैं एकदम पोपट गंजा हो जाऊं। इसके बाद गाड़ी चल रही हो स्पीड में गाड़ी जा रही हो, मैं गाड़ी चला रहा हूं, एक टर्निंग है और मैं आपसे कहूं बीवी जी घर आ गया हूं। मैंने तुम्हें ग्लास में गोली मिलाते हुए देख लिया था। नहीं नहीं जी जी, जभी तो चलो कभी तो। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जमाल है ना, अब हेयर स्टाइल बनाने का फायदा क्या? अरे बात सुनो, बोलिए ना, वो जमाल मुझसे शादी करना चाहता है। कौन जमाल? अरे वही जो आया अभी। किस आप शादी करना चाहते? हाँ। फिर? लेकिन मैं शादी से पहले उसे परखना जरूरी समझती हूँ। उसे? जी जी। बेहतरीन तरकीब। क्या? आपके अब्बू ने बड़ी जबरदस्त टैबलेट की यूज़ की है, इजाद की है। एक गिलास पानी अंदर रिपोर्ट बाहर। सच? एक गिलास शरबत जाएगा अंदर से रिपोर्ट आएगी कि खून में कितना परसेंट कमीनापन है, गुर्दे कितने जलील हैं, दिल कितना बेईमान है, दिमाग में क्या खराफात है, सब आ जाएंगे। ठीक जब वो आए मुझे आवाज देके बुला ला लूंगी। अब क्या फायदा हेयर स्टाइल? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्यों? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना थी। क्या बात करनी है? देखो सिमी, डैडी भी यही चाहते हैं, अंकल की भी यही ख्वाहिश है और मेरी भी यही तमन्ना है। क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सिमी, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ देखो सिमी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, अपनी अपनी बोटी बोटी करवा सकता हूँ, जो तुम कहो मैं कर सकता हूँ सिमी। जल्दी से इनको कसाई की दुकान पर ले जाओ, इनके सिर पाए अलग अलग बनवा कर लाओ। अरे चलिए साहब, दुकान बंद हो जाएगी। अरे मैं तो ऐसे इजहार मोहब्बत कर रहा था। अरे यार जल्दी चलो,
पसंदे बनवाने चलो। ओ, तो आप क्या ये सब बातें झूठ कर रहे थे? अरे तुम्हें पता नहीं मैं वकील बनने जा रहा हूँ, तुमने मेरी बातों पर क्यों यकीन कर लिया? यार आप अजीब आदमी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ चलिए ना, गुड्डे बकरे का गोश्त है, गले में भी टाइम लगेगा। ऐसी बातें ना करो, क्या मुझे घबराहट हो रही है? घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो पहले चक्कर क्यों दे रहे थे? चक्कर आ रहा है मैं पहले ऐसा चक्कर क्यों दे रहे? चक्कर आ रहा है, तुम बोटी बनवाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले वाले आशिक के साथ यही हुआ था, उसके पाए खाए लौटते मरे पाए। वैसे तो मुझे हंटर बीफ बहुत पसंद है। हंटर बीफ भी है तो क्या हंटर बीफ भी बनेगा? बनेगा। चलो बीबी जी, क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? चक्कर आ रहे हैं। पानी पानी। खुद मांगा, खुद मांगा। सिमी, हाँ? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सच? तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाय अल्लाह, कितने सच्चे हैं आप। ला 100 रुपए दे भाई। इसीलिए मैंने फांडा की गोली डाली थी। अगर सच्ची गोली डाल देता तो आप में से ऐसा कमीना बन बाहर आना था। इसलिए जब भी कभी मुलाकात हो खादिम को याद कीजिए, एक टैबलेट लीजिए, सच्ची सच्ची बातें कीजिए, झूठ झूठ कीजिए, जो भी कीजिए, रिपोर्ट अच्छी लीजिए। बाय बाय बाय। अल्लाह करे बस के नीचे आ। शिवराती इधर का। अरे भाई शिवराती, क्या हुआ? टैबलेट तो चल रही है ना? हो गोली की तरह चल रही है। हाँ, थाने भी दिया। थाने? हाँ। क्यों? अभी थाने दे रिपोर्ट आ गई। आपको बताना भूल गया, थाने से रिपोर्ट आ गई है। क्या जबरदस्त! कैसी? पुलिस ने ली थी ना। हाँ। तो मुजरिमों को खिलाएंगे, उनसे सच्चे सच्चे पूछेंगे कहाँ साथी छुपे हुए। हाँ। तब आके पुलिस वाले ने खा ली, फिर मुजरिम बाहर है, पुलिस अंदर है साहब। ए शबराती, एक काम करो तुम, है ना, मेरे बेटे काशिफ को किसी तरह से भी राजी कर लो कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। मेरे जहन में एक आइडिया है। हाँ। अगर आप आइडिया पे अमल करेंगे तो हो जाएगा। क्या? काय पत्र की बता दूंगा, है ना। हाँ। तुम जरूर राजी करो उसे। या है ना, आप मेरी तनख्वाह दे दो। सरकार अब नया चूजा लिया है, ये 2-3 घंटियों में निकल जाएगा। ये चूजा नहीं, मुझे तो लग रहा है बत्तख बिठानी पड़ेगी। चलो खैर, अगर कौन है? वो आए सर। अबे काले, तुझे कुत्ता खा ले। तू मुझे खा ही नहीं सकता। हम चाहता कि तुम हमको 2 करोड़ रुपया दो, हम उधर जाएगा 2 करोड़ अपने मिला के लाएगा। एक काम करो तुम, है ना, मेरे बेटे काशिफ को किसी तरह से भी राजी कर लो कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। मेरे जहन में एक आइडिया है। हाँ। अगर आप आइडिया पे अमल करेंगे तो हो जाएगा। क्या? काय पत्र की बता दूंगा, है ना। हाँ। तुम जरूर राजी करो उसे। या है ना, आप मेरी तनख्वाह दे दो। तनख्वाह? आपका तनख्वाह दे दो। मैं आप उड़ी गमले में श्री देवी बैठी श्री देवी क्या मुझे ये? अरे ओए मर जाएगा बे। सरकार अब नया चूजा लिया है, ये 2-3 घंटियों में निकल जाएगा। ये चूजा नहीं, मुझे तो लग रहा है बत्तख बिठानी पड़ेगी। चलो खैर, अगर कौन है? वो आए हाले। अबे काले, तुझे कुत्ता खा ले। तू मुझे खा ही नहीं सकता। हम चाहता कि तुम हमको 2 करोड़ रुपया दो, हम उधर जाएगा 2 करोड़ अपने मिला के लाएगा। अब
चाबी निकालो। मेरे पास नहीं है ईमान से। मैं कहता हूँ तिजोरी की चाबी निकालो बुढ़िया। निकालो। बच्चे भी इस लाइन में। ये हमारा सरदार है। अबे सरदार में को पानी वानी भी डाला करो, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा है। हम बुढ़िया, ये बुढ़िया, ये चूड़िया, ये चूड़िया सोने की है ना बुढ़िया? नहीं माँ, से पीतल की है ये। पीतल की? पीतल की है? 50 रुपए की मेरे को दिला दो। शबराते शूटिंग का सत्यानाश कर दिया है तुमने? ये शूटिंग हो रही है? और क्या हो रहा है? ये शूटिंग है? हां ना, फिर सब करवा रहे शूटिंग। सब क्या आदमी? शूटिंग हो रही है यहां पर, तुम्हारे अब्बू ने इजाजत दी है। हैं? हां, शूटिंग है। और क्या है भाई? तो ये क्या नकली डाकू है? बिल्कुल। अरे वो इतनी जोर से पिस्तौल क्यों मारी? इतनी जोर की मेरे को पिस्तौल चुभा ही था ना अंदर यार। ए चलो 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 ये शूटिंग हो रही है? अरे शूटिंग हो रही है भाई, सुबह से हीरोइन अंदर कमरे में बैठी है, तुमको पता ही नहीं है कि शूटिंग है? नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता। मान से नहीं बात किया था, मैं तो जुम्मा बता रहा था। सुन नबी, यहाँ शूटिंग हो रही है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। ठीक है, मोहल्ले में हूँ, शूटिंग खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। जी बेहतर, मैं आपको बुला लूंगा। आशना भी जा रही है? बुला लूंगा। ठीक है सरकार, ठीक। शूटिंग हो रही थी? हाँ। वाह सब कर रहा हूँ। अच्छा सुनो जी, मैं ऊपर जा रहा हूँ, चाय लेके आओ मेरे लिए। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? कमरे में। सरकार इधर आ रही है, वो ऊपर वो कह रहा है, वो हीरोइन तैयार हो रही है। हाँ, हीरोइन तैयार हो रही है? जी हाँ, मशीनें लगी हुई, पुड़ियाँ बन रही है। अरे यार नहीं भाई, मेकअप करती है, मेकअप यार। चलो फिल्म की हीरोइन। फिल्म समझा शायद। तो सुनो, मैं तो जा रहा हूँ डैडी कमरे में। सरकार यार, मैं तो अपने डैडी कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन वहां भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे सरकार अपना कमरा बंद करके तजर्बा गांव में तजर्बे कर रहे हैं। बीबी जी अपना कमरा अंदर से लॉक करके जमाल साहब के साथ पाइप से उतर के पिकनिक पे गई है। यार ये क्या हो रहा है साहब? ये शूटिंग हो रही है जनाब, आप यहाँ थोड़ी देर बैठ जाए, अभी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? 5 बजे मैंने पूरे जो है ना अपने दोस्तों को बुलाया और अच्छा। पार्टी है, ये सब क्या हो रहा है? ये अरे यार एक बात बता ना, ये इतना करता क्यों? ये है कौन? कौन है ये? ये छह साहब का बेटा भाई। माफ करना भैया, माफ करना। ये फिल्म के डायरेक्टर साहब है। अच्छा तो बात करो, ये 5 बजे तक खत्म कर लेंगे शूटिंग। ठीक है ना? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। आप यहीं बैठ जाओ ना, अकेले मैं चाय लगाता हूँ, आप यहाँ बैठो। मगर यार वो आने शुरू हो गए मेहमान, आप बैठे ना। यार ये कौन है डिस्टर्ब कर रहा, कौन है ये? यार शेठ साहब का बेटा है भाई। यार माफ करना, यार माफ करना, माफ करना। इधर इधर बैठे, इधर बैठो, इधर बैठो। शूटिंग में, शूटिंग शूटिंग में। यार कब शूटिंग खत्म हो गई? मैं लाइट ही लगा रही। कौन सी फिल्म बना रहे हैं? ये हमारी बड़ी जबरदस्त फिल्म है। कौन सी? कमीनों की बस्ती। बड़े अच्छी, अपने मोहल्ले में बना रहे हो? अरे वेरी गुड यार, तेरे अंदर तो केजस है। हाँ। मैं अगली पिक्चर में इंशाल्लाह तेरे को हीरो लूंगा। कौन सी? मेरी दूसरी फिल्म का नाम है जली का बच्चा। अब्बा जी तो फिल्म शुरू कर रहे हैं आप? हाँ, फिल्म शुरू कर रहे हैं यार, कभी मेरे को भी ट्राई करो भाई। देखो ये भी हम ये सीन करेंगे ना, इसमें तू बीच बीच में रहना, तेरी टिराई हो जाएगी। मेरा स्क्रीन का वो क्या बोलते हैं, फैक्ट ले लो। हाँ, स्क्रीन फैक्ट टेस्ट है भाई, जो भी है ब्लड टेस्ट ले लो। यार एक्सक्यूज मी, ये आदमी है कौन? ये यार ये शेठ साहब का बेटा है। मक्कन है भाई, यार मक्कन है। सर हीरोइन आ गई। लो जल्दी लो, चलिए आइए 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 आइए, जल्दी शूटिंग कब खत्म होगी? यार ये मेरे को समझो, ये कौन है ये? देखिए राकेश साहब, मैं तैयार हो गई हूँ, जल्दी से शॉट करवा लीजिए, मुझे अगले सेट पर भी जाना है। आ वो सुल्तान रे मेरा इंतजार कर रहा होगा। सुल्तान राय का बड़ा फिक्र है, इनको नहीं देख रही जो मंजिल से भटके हुए राय खड़े हैं। सुनिए, ये हीरो है? नहीं, हीरो मैं। आप हीरो है? अरे बस मेरी माँ। ए, 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 ज्यादा मेरी बात सुनिए, अगर ये हीरो है तो मैं बिल्कुल इस फिल्म में काम नहीं करूंगी। ए, 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 ज,
दीपावली ये क्या तिरान करती है, ये अगली फिल्म का हीरो है भाई, इधर तिराई पे अभी तिराई पे अच्छा अच्छा ठीक है, अप्रेंटिस हूँ अप्रेंटिस हूँ। ये भाई यार ये आदमी कौन है, बीच में क्यों खड़ा है यार, यार ये सेठ साहब का बेटा है। ये माफ कीजिए यार, माफ कीजिए प्लीज यार, बैठिए बैठिए आप, शॉट शुरू करें साहब जल्दी कीजिए, लाइट इधर करो, इधर लाइट करो, बेबी को भी इधर कर, बेबी को इधर इधर, वो पागल वो बेबी को, अरे भाई ये बेबी नहीं लाइट वाली बेबी है यार, वो फालू वाली, अबे ये ऊपर कहाँ बैठा हुआ है, वो पूछो पूछो, ये नहीं है, आया आया आया, अरे क्या करता भाई, इधर ही रहा भाई, आशीष जी मेरी नोक आ गई, यही तो जुलूम है नाकदार आदमी के साथ, ए भाई तुम अपनी नाक दूर रखो, फुल कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव।
है तेरी तिराई है खाना उसका है भाई। तो मेरी तिराई क्या लेत मशीन पे होगी, यहीं पे कर लो यार। रखे रखे ऐसे ही नए लड़कों को रखे यार, यही होगा। एए, भूल गई वो दिन, कल तक तू ये डायरेक्टर के पीछे घूमती थी, आज इतनी बातें बता दी है मेरे को। तो आपके साथ यार ये है कौन, कौन है ये, कौन ये कौन है? कुछ भी है ठीक है। आप शूटिंग खत्म कर ले, इन्हें गुस्सा आने वाला किसी वक्त मैं तो बच्चा से मार डालूंगा। खत्म करो ये शूटिंग, मैं कहता हूँ। यार ये कौन है, ये कौन है? ये सेठ का बेटा है, मेरे को नौकरी से निकलवाया क्या बार बार? मेरे को तपा रहा है, मैं लड़ू, मैं जाऊँ। सरकार आप शूटिंग खत्म कर लो हमारे भाई। भाई एक छोटा सा सीन है कि दूल्हा आया है, चेहरा बांधा है, निकाह हुआ और खत्म। बस निकाह होगा बस, तो हीरो कहाँ है? यार मैं चल रहा हूँ बस, ठीक है? सरकार एक ठहरी, हीरो कहाँ है? यार हीरो को बस नहीं मिली होगी गरीब को। यार वो क्या बस में आ रहा है? नहीं आए ना भाई, ये हीरो कब तक पहुँचेगा? यार बस आने वाला होगा, वो आएगा तो सीन होएगा। अगर वो नहीं आया तो फिर मुश्किल है भाई। एक काम तरकीब बता दूं आपको। बोलो बोलो। आप एक काम करो। बोलो। आप यूं करो कि हमारे सरकार भी हीरो जैसे हैं। हाँ हाँ। इन्हें बिठा देते हैं। हाँ। सेना तो बना हुआ होगा। हाँ हाँ। पब्लिक को क्या पता अंदर नदी में जावेद शेख है, इधर का जी कौन है? खाली कबूल कबूल तो बोलना है, सरकार बोल रही है शूटिंग का तब इनके दोस्त ये। बहरहाल मेरा मतलब कहने का ये है, ये क्या किया आज? मेरी जान यही वक्त बताने का तरीका है। शुरू करें। जल्दी निकाह करो, मैं दूसरी जगह भी जाना है। अरे भाई तेरे को इधर नहीं बैठना है भाई, तुमने तो बोला बैठो। अरे अरे इधर शेरे वाला बैठेगा, तोलिया वाला नहीं। ये हमाम का दूल्हा समझ लो। अरे तू दूल्हा नहीं है मेरा, तो मैं तेरे को रंडवा लगता हूँ मेरी माँ। भाई ये निकाह तेरा नहीं है भाई, ये आवामी नहीं है। नहीं नहीं ये वो नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट। नो नो नो, आप आ जाओ भाई, आप आ जाओ। अरे चपराती क्या पकड़ा दिया तूने? बैठिए बैठिए। यार वो काजी किधर है यार? काजी नहीं, आपके प्रोडक्शन वाले ने बोला था काजी साहब को लिया। हाँ। मैं बाहर गया तो काजी नहीं मिला, तो मैं उधर दूसरी तरफ गया ना तो काजी मिल गए। वो निकल लेते वहां से घर से। अच्छा। मैंने कहा निकाह के ना मैं आ रहा हूँ। अरे ना हाँ। यार तेरा शुक्र है, ना शुक्र। वो एक काजी साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं शिवराजी को बुलाओ। अंदर बुला लो भाई, उनकी जरूरत है। वालेकुम अस्सलाम, माफ कीजिएगा कदरे ताखीर हो गई। कोई बात नहीं, हम ताखीर का सबब जानते हैं। सब तैयार है? सब तैयार। खाना तैयार है? हाँ, बस आपसे फाता दिलवानी है। आइए आइए जी, बैठिए बैठिए बैठिए। चलो क्लियर कर लो। हेलो मैं, ये क्या हो रहा है? वो वीडियो बन रही है ना शादी की। अच्छा अच्छा, इजाजत है? हाँ इजाजत। सुनो सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरदाना बेगम बिनते दाऊद शेख, तुमने काशिफ अली वल्द प्रोफेसर हामिद अली को अपना शौहर कबूल किया? जी किया। कबूल किया? जी किया। कबूल किया? जी हाँ किया। काशिफ अली वल्द प्रोफेसर हामिद अली, तुमने फरदाना बेगम बिनते दाऊद शेख को बाईवस 5,00,000 रुपए हक के महर सिक्का रायजुल वक्त अपनी बीवी कबूल किया? कबूल किया। तुम्हें तस्लीम है? तस्लीम है। कबूल किया? कबूल किया। यहाँ तरह दस्तखत कीजिएगा। फरदाना बेगम बेटी, यहाँ ये दुल्हन, यहाँ बेटी, हाँ यहाँ। अच्छा भाई ये तो सब ठीक हो गया, अब ये बताइए काशिफ अली का बाप कौन है? ये बाप, ये बाप है यहाँ। हामिद साहब जी दस्तखत कीजिएगा। अच्छा अच्छा, एक दस्तखत कीजिएगा गवाहान में। शबराती मियां गवाहान में। मुबारक हो। मुबारक हो।
सरकार ये अपने हिस्से के छुआरे ले लेंगे। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। हामिद, हामिद मियां, आपको बहुत बहुत मुबारक। ये लीजिए निकाहनामा, और अब मेरे हदीया अनायत कर दीजिए ताकि मैं रवाना हो सकूं। हदीया? कैसा हदीया भाई? निकाह की फीस। ए, 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 इनसे क्या फीस मांगता है? चलो बाहर जाओ, मेकअप उतारो, प्रोटेक्शन कंट्रोलर से पैसे लो और घर जाओ। मियां लाहौल मिला कुमार भाई, मेरा प्रोटेक्शन मैनेजर से क्या ताल्लुक? मैं इस इलाके का रजिस्टर कर रही हूँ, और मैं ने ये निकाह आईन इस्लामी तरीके से सही और सच्चा निकाह पढ़ाया है। और सच्चा निकाह? अल्लाह, उम्र अल्लाह, मैं तो बैठते बैठते रह गया यार। क्या हो गया? नुकसान हो गया यार। अरे नुकसान क्या हुआ है? का बहुत बड़ा काम हो गया। मुबारक हो सरकार। दिमाग खराब है तुम्हारा? दो सीरियल से शादी करूंगा लागत। हम शादी नहीं करे? दिमाग खराब है तुम्हारा? खत्म करो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक। एक अली साहब, एक मिनट के अंदर तलाक चाहिए मुझे। भाई बरखुरदार, कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? ये सोच लो कि तलाक के साथ साथ तुम्हें 5 लाख रुपए हक के महर के शरीयतन अदा करने होंगे। अरे यार, अरे यार, अच्छा हुआ मैं नहीं बैठा यार। आप ऐसा कीजिए, सुने जी, क्या समय रखा है आपने? एक तो बिला वजह शादी कर ली, निकाह कर लिया, और ऊपर से तलाक मिलने की धमकियां दे रहे हैं। शराब, शराब, क्यों शराब? क्या समय रखा है मुझे? ए मिस्टर, पहले मेरी बात सुनो, समझे? तलाक देने दे दो और 5 लाख भी मुझे साथ दो। मुझे 5 लाख रुपया नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुझे तलाक देने की, समझे? क्यों नहीं? ये आज से मेरी बहू है। बेटी, तुम इस घर की इज्जत हो। ए डैडी, ये इस घर की इज्जत नहीं, गरीब की फिल्म की हीरोइन है। हीरोइन हीरोइन नहीं है, अब ये हमारे घर में है, निकलो बाहर। ए तुम बाहर निकलो, तुमने मेरी हीरोइन का निकाह पढ़वाया। मैं निकलूंगा नहीं। मुबारक हो। अल्लाह मियां ने शेरे के फूल खिल गए। वो राशिद साहब की शादी हो गई। शबराती मियां, हाँ, ये कौन है? ये इनकी वालदा है। इनका निकाह हो गया? पढ़ा दे, इसका बराबर हो जाएगा। कौन बदतमीज आदमी है ये? क्या जहालत की बातें कर रहे हैं आप? ए, मेरी हीरोइन पे तुमने कब्जा किया है, मैं तुमसे इंतकाम लूंगा। मैं तुमसे उधार लूंगा। मैं तुम पे केस करूंगा। मैं तुम पे सिफली करूंगा। मैं तुम पे गुंडे छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा। और देखना, देखना बच्चू, तेरी शैतानी घर से बाहर निकलेगी, मैं छेड़ूंगा और भागूंगा। बदतमीज आदमी, तभी जाहिल इंसान। भाई शबराज देवी, ये मजाक समझ में नहीं आ रहा है? मैंने बिल्कुल सच्चा निकाह पढ़ा है, कानून गवाह है। मेरी फीस दीजिए ना। आप जाइए ना, आपने तो पूरे घर को फंसवा दिया। आप जाइए, आप जाइए, मैं आऊंगा ना। जुम्मे को जामा मस्जिद जूतियां बदलने तो आपको पैसे दे दूंगा। मैं जुम्मे में आता हूँ जोड़ी बदलने। भाई आपने कहा था आ जाइएगा, फीस भी दिलवाऊंगा, एक कुर्ता पजामा भी मिल जाएगा आपको। वो तो इनकी वफात के बाद ही मिलेगा। आइए काजी साहब। अच्छा शबराती भैया, हाँ, उधार का निकाह है क्या? जी जी, पहुंचा दीजिएगा मेहरबानी। जी, बिरयानी तो इसमें बनवा दीजिए मेहरबानी। बिरयानी? जी, अभी देखे नहीं खुली है, जाइए, ये तो अचानक हुआ है। फीस पहुंचवा दीजिएगा। आप बोलो तो आटा दे दूं। जाइए जाइए जाइए। जी भैया, इस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा हो गया, घर बैठे शादी हो गई। कसम से। कौन है शिवराती? ये है मेरे फिल्म डायरेक्टर ने, मेरे फिल्म डायरेक्टर ने मुझे यहाँ भेजा है, उसकी हीरोइन को यहाँ पे भेजा रखा है। किसने? आप लोगों ने। आप आराम से बात करो भाई। तुम मेरे को जानते नहीं हो? मैं जानता हूँ। मैं कमरू दादा हूँ। मैं जबरू नाना हूँ। ये पूरा इलाका मुझे जानता है, मैं कमरू दादा हूँ। ये पूरा इलाका मुझे नहीं जानता, मैं गुमनाम हूँ। देखो मिया। नहीं देखो मिया। हमारे हीरोइन को आजाद कर दो। मैं कहता हूँ हमारे हीरो को छोड़ दो। अच्छा, आप याद करोगे? आप ईमान से दादा बदमाश आदमी हो, आपको कसम है। आप बोलो, किसी की बहन को कोई छेड़े तो गुंडे को मारना चाहिए कि नहीं? हीरोइन ने हमारी खाला की बेटी को अगवा किया हुआ उस डायरेक्टर ने, घर में बांध के रखा हुआ है। दादा मेरी खाला की बेटी को छुड़वा दे। दादा, दादा मेरी खाला की बेटी को छुड़वा दे। दादा तो डायरेक्टर ने
तुम्हारे साथ जद्दी किए जी, अब मैं अगले इंतकाम लूंगा जी, मेरी खाला ने बेटे को करूंगा। तुम मेरे आने का इंतजार करना चाह? मैं करूंगा। मजा आएगा, उल्टा केस करा दिया। मेरी तो खाला ही नहीं है, बेटी कहां जाएगी? इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं झूठा हूँ, झूठा। बात सुनो, ये सब क्या हो रहा है? ओ मुबारक हो। किस बात की? आपको मुबारक बांधनी थी मैंने। किस बात की? अरे काशी भाई की शादी हो गई। क्या? हाँ? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, यहाँ आई तो शादी हो गई। फास्ट लाइफ, आप बाजार गई शादी हो गई, एक फेरा और लगा के आइए, इनके बच्चे खेल ले होंगे। फास्ट लाइफ, तीसरी मर्तबा बाजार मत जाना बेटी, वरना मैं ऊपर निकल जाऊंगा। अरे यार, तो सारी फैमिली यहाँ मौजूद है? जी हाँ। जमाल बेटा, अंकल अभी मुझे फिल्म डायरेक्टर मिला था, वो आप पर केस करने की सोच रहा है। उसने इल्जाम लगाया कि आपने उसकी हीरोइन को अगवा करके इस घर में हफ्ते बेजा में रखा हुआ है। वो बेवकूफ है। क्यों? वो हालात के तहत निकाह हो गया है। ओहो, यहाँ पर अब अदालत लगेगी और फैसला होगा। आप लोग पीछे पीछे हट जाए। कौन लोग? सब लोग। यहाँ क्या हो? अदालत लगेगी और फैसला होगा। अच्छा, मुल्जिम शबराती। कौन मुल्जिम है? तुम। मैं मुल्जिम भी हो गया? ठीक है, मैं मुल्जिम हूँ। मुल्जिम शबराती, तुमने इस केस में बहुत गन मचाई है, अब तुम्हारा बयान होगा। पैसे हुआ? कटहरे में। कटहरा कहाँ? वो रहा कटहरा। ओ, दो क्लोजअप के बाद आपने बताया कटहरा वो है। मुल्जिम शबराती कटहरे में आ गया बे। मुल्जिम शबराती जी, कहो, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपन जब बोला सच बोला बाप, मैं किसी का बाप का नहीं खाता हूं जो झूठ बोलूंगा। मैं हमेशा सच बोला, मुंह पे बोला, मुंह इधर करो। ये निकाह तुमने करवाया था? हाँ। काजी को तुम लाए थे? काजी को मैं लाया था, लेकिन निकाह हालात के तहत हुआ, अल्लाह मैंने पढ़वाया, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो गया को काजी को सच्चा निकाह पढ़वाने पर तुमने मजबूर किया था? ये झूठ है, पक्का झूठ है ये। मैं काजी को लाया था, मीके लॉर्ड, मैं काजी को लाया था। काजी को लाना जुर्म नहीं है। मैं कहता हूं अदालत आलिया से मुझे छोड़े, वरना मैं अदालत का कटेरा तोड़ दूंगा। मुल्जिम शबराती, अदालत के वकार का एहतराम किया जाए। मैं अदालत की इज्जत करता हूं, इसे पप्पी करता हूं, मगर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अब तुम आ सकते हो, तुम्हारा बयान हो चुका है, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं बुलवा रहा हूं इस केस के सबसे अहम गवाह को। कौन? शरीफ लाते हैं मिस्टर दाऊद। और इसके बाद की कहानी अंकल दाऊद। हाँ मैं। और इसके बाद की कहानी जज शबराती की जबानी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जावे है। चश्मा दीजिए, कभी हमारे से अंधी में कोई फैसला नहीं होगा। अदालत की कार्रवाई पढ़ के सुनाई जाए। रंगीन पंजाबी फिल्म होशियार की शानदार कहानी। यह अदालत में फिल्मी अखबार किसने रखा है? अगर जज साहब 3 से 6 फिल्म देखने चले जाते तो क्या हो? ऑर्डर 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 ऑर्डर। एक चपाती दो पाया लाई। मुझे भूख लग रही है भाई, मैं खाना भी खा रहा हूं। सरकार सोफों की कीलें निकली हुई है। मुल्जिम काशिक,
क्या तुम कोने पे खड़े हुए उस खूबरू नौजवान को पहचानते हो? ये तो मेरे अंकल है। अंकल नहीं है, आपके अब्बू के दोस्त भी हैं। और आपके अब्बू और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, बल्कि बचपन के नहीं 1955 के दोस्त हैं। जब ये छोटे छोटे थे दोनों, तो रमजान में शहरी के बाद जब ये सड़क के ऊपर सुरपाटा खेलते थे, उस वक्त इन्होंने फैसला किया था कि ये अपने बच्चों की शादी आपस में करेंगे। जब तुम पैदा हुए और इनके घर में ये मोहतरमा पैदा हुई, तो मसला शादी का हुआ। आपके अब्बू जिस लड़की के लिए आपको हमेशा शादी का इसरार करते रहे, वो लड़की यही है, सेठ दाऊद की साहबजादी, आपकी बचपन की मंगेतर। जब आप शादी पर राजी ना हुए, तो आपके डैडी ने शबराती से रुजू किया कि ऐ ज़हीन इंसान, शबराती बता, शादी कैसे होगी बता। मैंने एक तरकीब सोची और नकली शूटिंग में असली निकाह पड़वा कर आपको शादी के बंधन में बांध के सजा दी। अब आप इधर जाइए और अपनी वाइफ के साथ अपना पेयर बनाइए, जाइए जाइए जाइए। और अब अदालत सबके पेयर बनवाई। शबराती मेरा पेयर बना दो, मेरा पेयर। अदालत के साथ छिछोरापन और जज साहब के साथ छीना झपटी के इल्जाम, मुजरिम प्रोफेसर हामिद, आपको अदालत सजाए मौत देती है। आप जाइए, आपकी मौत वहां खड़ी हुई। अब अदालत सीमा बीबी से दरखास्त करती है कि वो यहां आए और बैठ जाए, और आप लोग ईमानदारी से बताएं भाई जोड़ी कैसी लग रही है।